Hey guys, welcome all of you those who are live. Welcome. बहुत बहुत स्वागत है आपका मैराथन सेशन में जो आज हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो यार जितने भी लोग लाइव हो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आवाज बिल्कुल क्लियर है, वीडियो बिल्कुल क्लियर है और आवाज बिल्कुल ऑडिबल है तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दो बिल्कुल क्लियर है। Hey guys, welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy in partnership with Gatorix and we are live. This is Praveen Lavas, educator at Unacademy for GATE and EAC, your GATE mentor and digital coach. And today's session, my dear friends, दोस्तों आज का सेशन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर। जिसको बोलते हैं CRO, जिसको क्या बोलते हैं CRO। ये मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज बहुत अच्छे से हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। देखो यार, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर लो फटाफट से। अगर आपने मेरे सेशन अटेंड करने हैं मेजरमेंट के, अगर आप चाहते हो कि मेरे अच्छे अच्छे सेशन आप मेजरमेंट के अटेंड करना चाहते हो तो एक बार अनअकैडमी स्पेशल और प्लस क्लासेस देख लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स दे रखा है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, पार्ट वन और पार्ट टू। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया है कि 42 लेसन्स हैं और यहाँ पे पार्ट टू में 22 लेसन्स हैं। तो अगर आप चाहते हो कि फटाफट से पूरा मेजरमेंट आप जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हो 15 दिन में, फटाफट से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो जल्दी से यार जल्दी से लाइव आ जाओ या रिकॉर्डेड देख लो। बेटा 3 घंटे की क्लास तो मिनिमम है ही, 3 घंटे की क्लास तो मिनिमम है ही, 5:30 से 8:30, 5:30 to 8:30। अगर अभी तक आपने मेरी स्पेशल क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि सिग्नल सिस्टम मेरा अटेंड करना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू अटेंड माई सिग्नल सिस्टम क्लास फॉर फ्री, अगर आप चाहते हो कि फ्री कोर्सेज आपको मिल जाए अनअकैडमी पर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अनअकैडमी पे आना पड़ेगा और वहां पर प्रमीत लवास सर्च करना पड़ेगा मेरे नाम के आगे। आपको फ्री लाइव क्लासेस जो कि स्पेशल क्लासेस है आपको सारी मिलने वाली है, ठीक है ना। चलो अभी मैंने रिसेंटली सेशन लिया था फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो मैं बता दूं जिन बच्चों की ब्रांच ईसी और इलेक्ट्रिकल है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर वो सेशन अभी तक आपने नहीं देखा है तो DFT के बाद फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का सेशन है, उसको जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। So this is Prameet Lavas, All India Rank 23 GATE 2010 Instrumentation. I have a teaching experience of around 10 years. 10 साल का teaching experience online plus offline. तो यहाँ बता दूँ कि जिनकी branch EC है, जिन बच्चों की branch electrical है, जिन बच्चों की branch electronics and telecommunication है, या फिर आपकी branch instrumentation है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। आपको कोड क्या लगा देना बेटा, Prameet. You just have to apply the code Prameet10 to get the subscription done. और जल्दी से अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो। देखो YouTube के जितने भी एजुकेटर्स हैं उनका मकसद ही है कि आप एक बार अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। निवेदिता गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। दीप्तांशी त्रिवेदी बोल रही है कि सर एरर एनालिसिस टॉपिक खत्म हो गया है क्या। बेटा ये मैराथन सेशन है, इतने दिन से आप लोग लाइव आ रहे हो अनअकैडमी पर, यूट्यूब चैनल है क्रिएटर्स का, ये नॉर्मल सेशन नहीं है, ये आपका मैराथन सेशन है जो मैं आज लेने वाला हूँ। दिस इज द मैराथन सेशन, ये आज मैराथन सेशन है। मैराथन सेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, मैराथन का मतलब है ये कोई स्पेशल सेशन है सीआरओ पे, ये नॉर्मल क्लास नहीं है आपकी, नॉर्मल क्लास में अभी तक एरर ही चल रहा है, ये स्पेशल सेशन है सीआरओ पर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर, ठीक है ना। दीप्तांशी त्रिवेदी क्लियर है बेटा। चलो तो यार देखो, प्लस का सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो तो आपको बताइए 22,500 है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जो अमाउंट है वो है 40,500। तो यार जितने भी बच्चे लाइव हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अपने भैया भाभी से बात कर सकते हो, जो भी आपकी हेल्प कर सके सब्सक्रिप्शन लेने में उससे बात करो। और 22,500 वाला जो मिनिमम प्लान है यार, ये सबसे पॉपुलर प्लान है, 22,500 वाला सबसे पॉपुलर प्लान है। अगर आप चाहो तो फटाफट 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 सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इफ यू वॉन्ट द स्ट्रक्चर शेड्यूल, अगर आप चाहते हो कि आपकी टेस्ट सीरीज बराबर चलती रहे, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइव क्लासेस बराबर चलती रहे,
आप चाहते हो कि आपको पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस मिले, अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस एजुकेटर आपके लिए सॉल्व करके दे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो जल्दी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो। उसके लिए आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। तो प्लस का अमाउंट तो आपको पता ही है बेटा, ये लिखा हुआ 22,500 और आइकॉनिक के लिए जो अमाउंट है वो है 40,500। आइकॉनिक के लिए जो अमाउंट है वो है 40,500, बस आपको पे करना है। और कोड क्या लगा देना है, कोड सबको पता होना चाहिए, प्रमीत 10 इज द कोड। प्रमीत 10, प्रमीत का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, 10 का मतलब होता है अगर आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाना चाहते हैं तो जल्दी से कोड लगा दो प्रमीत 10। सिद्धांत पाठक, प्रणाम बेटा, प्रणाम। सर यू कुड हैव स्टार्टेड मेजरमेंट्स इन मैराथन। बेटा ये मेजरमेंट ही है मैराथन में, सीआरओ मेजरमेंट का ही तो पार्ट है बेटा। सीआरओ जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मेजरमेंट का ही तो पार्ट है, और किसका पार्ट है, ठीक है। चलो लेकिन आपको कोड क्या लगाना है, प्रमीत 10, ये कोड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, तो यार फिर फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक का नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये भी मेजरमेंट का ही पार्ट है। यार पहले तो मैं बच्चों को क्लियर कर दूं, जितने भी बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज मेजरमेंट की क्लास नहीं थी क्या, देखो समझो यार, पहले आप शेड्यूल समझ लो। आपको शेड्यूल मिला होगा, आप यूट्यूब स्टोरीज भी देखते होगे, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास चलती है यूट्यूब पर। रेगुलर क्लास का मतलब है उसका टाइमिंग क्या है, मंडे टू फ्राइडे जो आपकी क्लास चलती है रेगुलर उसका टाइमिंग क्या है, 11 to 12। ये मेरी क्लास का टाइम बता रहा हूं मेजरमेंट का, किसका टाइम बता रहा हूं, मेजरमेंट का। सैटरडे संडे मैराथन सेशन का टाइम होता है, सैटरडे संडे मैराथन का टाइम होता है। मैराथन मतलब कोई भी एक टॉपिक हम लोग चूज करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो बात समझ में आ रही होगी बच्चों को, ठीक है ना। तो दिव्यांशु सोनी, क्लियर है बेटा, मेजरमेंट की क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, ये सैटरडे संडे सिर्फ मैराथन होता है। चलो तो देखो यार, कैथोड रे की बात करने वाले हैं। ये डायग्राम तो सब लोगों ने देखा होगा, ये डायग्राम सब लोगों ने एक बार देखा होगा, इसको बनाया भी होगा। लेकिन इस डायग्राम को बनाने से पहले ये जो भी डायग्राम बना है कैथोड रे ट्यूब का, इस डायग्राम को समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैं प्लेट्स काम में ले रहा हूँ, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये बार बार क्यों काम में ले रहा हूँ। ये डायग्राम हर आदमी ने देखा होगा, हर बच्चे हर बच्ची ने ये डायग्राम को एक बार पढ़ा होगा और बनाया होगा, ठीक है, कि कैथोड क्या होता है, ग्रिड क्या होती है, एनोड सप्लाई कैसे दे रहे हो, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या है, एक्सेलरेटिंग एनोड क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या है, फॉस्फर स्क्रीन क्या है, ये सबने बात करी होगी, ठीक है। मैं ये बात करने वाला हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला बिना प्लेट के क्या होने वाला है। तो मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ, मेरे को पता ही नहीं है इस डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ, विदाउट डिफ्लेक्शन प्लेट्स अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो ये कैसा दिखता है, देखो बात समझो। मैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात करने वाला हूँ, उसके लिए इंटरनल डायग्राम क्या होता है, सीआरटी। उसके लिए इंटरनल डायग्राम क्या होता है, सीआरटी। तो बात समझना, सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी कैथोड रे ट्यूब की। किसकी बात करनी पड़ेगी बेटा, कैथोड रे ट्यूब की। और यार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, 13 ही लोग लाइव हैं, वी वांट 40 पीपल टू बी लाइव मिनिमम, यार 40 बच्चे तो लाइव होने ही चाहिए मिनिमम, 13 ही बच्चे लाइव हैं। चलो कैथोड रे ट्यूब पहले समझ लो, बेसिक बात क्या है समझ। देखो मैं आपको बहुत बेसिक बात समझाने वाला हूँ आज, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, मैं आपको आज कुछ अलग ही चीज बताने वाला हूँ। देखो आपने सबने ये डायग्राम बनाया होगा, लेकिन हम बिना डिफ्लेक्शन प्लेट्स का डायग्राम बना रहे हैं। बिना डिफ्लेक्शन प्लेट का डायग्राम मतलब जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन प्लेट्स नहीं हो। ये आपके पुराने टीवी में एक ट्यूब होती थी, आपने देखा होगा, उसी को क्या बोलते हैं, सीआरटी। क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। तो मैं क्या बात करने वाला हूँ, सिंपल सीआरटी के अंदर यहां पर मैंने मान लिया कैथोड और हीटर, ये आपका कैथोड हो गया और ये क्या हो गया, हीटर, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये तो आपका कैथोड और हीटर हो गया, ये आपका हीटर हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड, ठीक है। चलो ये तो आपका हीटर हो गया और ये आपका क्या हो गया, कैथोड। ये आपकी सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला बिना डिफ्लेक्शन प्लेट्स के, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कहीं भी जा सकता है स्क्रीन पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है। और ये जो स्क्रीन है,
इसका नाम क्या होता है? फॉस्फर स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फर स्क्रीन, या आप इसको बोल दो फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एक ही बात है। या तो आप इसको फॉस्फर स्क्रीन बोल दो या इसको बोल दो फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पर टकराता है तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट और यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखने लग जाता है। तो सीआरओ पे आपने देखा होगा कभी आपको व्हाइट लाइट दिखती है, ब्लू लाइट दिखती है, ग्रीन लाइट दिखती है। वो ऐसा क्यों दिखता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। हाँ बेटा पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना? अब बात समझो। इस पॉइंट पर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन हिट कर गया बिना डिफ्लेक्शन प्लेट्स के। इलेक्ट्रॉन हिट्स सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मान लो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर हिट कर गया और मैं क्या चाहता हूं, अब बात समझना। होता क्या था नॉर्मल सीआरटी में, आप यहां से इलेक्ट्रॉन लेके आते थे, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती थी, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता था और ये आके स्क्रीन पर टकरा जाता था। पर जब मुझे वेवफॉर्म देखनी है स्क्रीन पर, तुमने देखा होगा ग्रेटिक्यूल जो सीआरओ की स्क्रीन होती है उस पर ऐसे कुछ साइन वेव, उस पर ऐसे कुछ ट्रायंगुलर वेव, कुछ ना कुछ वेव होती है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक स्पॉट होता है इलेक्ट्रिकल का, ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक स्पॉट होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, है ना? आशुतोष गुप्ता पूरा सीआरओ में कंप्लीट कराऊंगा 3 से 4 घंटे में, टेंशन वाली बात नहीं और मजा आने वाला तुमको। देखो ध्यान से समझो पहले बात समझ लो। तो जब तुम सीआरओ पे पूरी वेवफॉर्म देखते हो तो पूरी साइन वेव देखते हो या पूरी ट्रायंगुलर वेव देखते हो या पूरी स्क्वायर वेव देखते हो, ऐसे ही देखते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही स्पॉट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो बात समझिएगा कि मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्यों चाहिए। इस डायग्राम में आपने देखा होगा ये एक वर्टिकल प्लेट है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये मुझे क्यों चाहिए? ताकि इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट राइट मूव कर सके और अप एंड डाउन मूव कर सके, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम अप एंड डाउन मूव कर सके और लेफ्ट और राइट मूव कर सके, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन हिट्स द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड वी डोंट वॉन्ट दिस बिकॉज इट कॉज सेंटर बर्न। यह इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फर बर्न। क्या बोलते हैं? फॉस्फर बर्न। इसको फॉस्फर बर्न क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो स्क्रीन है दैट इज कोटेड विथ फॉस्फर, ये अंदर से किससे कोटेड है? फॉस्फर से। अब क्या होगा अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन या कैथोड से निकला और ये की एक पॉइंट पर बार बार जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या ये स्क्रीन को फॉस्फर बर्न नहीं कर देगा? फॉस्फर बर्न कर देगा। और फॉस्फर बर्न कर देगा इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्रीन है इस पर डिस्प्ले नहीं आएगा, ये स्क्रीन खराब हो जाएगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो ऐसा ना हो कि एक स्पॉट पे, ऐसा नहीं हो कि स्पॉट पे जाके इलेक्ट्रॉन रुक जाए, इस प्लॉट पे जाके रुक जाए, इस स्पॉट पे जाए। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा साइन वेव बने, यानी अप एंड डाउन भी बने और लेफ्ट एंड राइट भी बने। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स असेंबली लगानी पड़ेगी। ये डायग्राम है सीआरटी का विदाउट डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये डायग्राम कब है? बिना डिफ्लेक्शन प्लेट्स के। ध्यान से समझ लेना, ये डायग्राम कब है? बिना डिफ्लेक्शन प्लेट्स के, जब कोई भी डिफ्लेक्शन प्लेट्स यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आती है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, फ्लो डायरेक्टली एंड हिट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड वी डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन बिकॉज अगर ये ऐसा होता रहा हमेशा, बिकॉज इफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बीम हिटिंग द सेंटर ऑफ द फॉस्फर स्क्रीन, the phosphor at this point will burn out. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे deflection mechanism का लगाना पड़ेगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? Deflection mechanism लगाना पड़ेगा ताकि इस electron beam को properly direct कर सकूं। तो मैंने क्या बोला? So we have to properly direct. So we have to properly direct the beam in whichever direction we want. इसका मतलब क्या है? मुझे डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म चाहिए, सो वी नीड डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म। सो वी नीड डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म। अब डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म चाहिए तो क्या किस लिए चाहिए? कि इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाए, लेफ्ट से राइट भी मूव करें और अप एंड डाउन भी मूव करें। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट भी मूव करें और अप एंड डाउन भी मूव करें। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है?
तो डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब है? देखो बात समझो, ये तो तुम्हारा सीआरटी था ही नॉर्मल वाला। देखो यार, हर किताब में तुमको सीआरटी मिलेगा, उसकी थ्योरी मिलेगी, लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेगी कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्यों चाहिए और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे इनपुट क्या देते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स पे इनपुट क्या देते हैं, ध्यान से समझ लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो तुम्हारा हीटर था, ये तुम्हारा कैथोड था, दिस इज योर हीटर, दिस इज योर कैथोड। यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी लगेगी बीच में, एनोड वगैरह, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स चाहिए। तो यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली है, एक वाई प्लेट है और एक एक्स प्लेट। द प्लेट्स विच आर वर्टिकली प्लेस्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड द प्लेट्स विच आर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए इस हॉरिजॉन्टली प्लेट को बोलते हैं वाई प्लेट। वाई प्लेट का मतलब है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल प्लेस्ड प्लेट्स हैं इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स प्लेट्स। तो क्या है, मुझे दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली इसलिए चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो अप एंड डाउन भी मूव कर सके और लेफ्ट एंड राइट भी मूव कर सके। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बेटा निवेदिता, अभी तुम्हें आराम से अच्छा लगेगा। मैं यहां पर ये बात करने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन हिट कैसे करता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट पे इनपुट देते कैसे हैं। ठीक है, अभी मैं चाहूं तो आपको ये बेसिक डायग्राम बता दूं और बोल दूं एक्सेलरेटिंग ये है, फोकसिंग ये है, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली ये है, पर हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, एक वर्टिकल प्लेट है। तो वन इज डायरेक्टेड द बीम हॉरिजॉन्टली, वन इज डायरेक्टेड द बीम हॉरिजॉन्टली एंड अदर पेयर ऑफ प्लेट्स दैट विल डायरेक्ट। हाँ बेटा, मैं पूरा एक बार तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। वन इज डायरेक्टेड द बीम हॉरिजॉन्टली एंड द अदर पेयर ऑफ प्लेट्स दैट विल डायरेक्ट द बीम वर्टिकली। मैंने क्या बोला, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स क्यों चाहिए, समझना बात को। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स क्यों चाहिए, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से यहां आ रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से यहां आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बीम पहले क्या हो रहा था, बिना डिफ्लेक्शन प्लेट्स के स्क्रीन पे एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा था, और उसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा था कंटिन्यूसली। तो ऐसे तो मेरी स्क्रीन खराब हो जाएगी, जिसको बोलते हैं फॉस्फर बर्न। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे साइन वेव चाहिए, ऐसे ट्रायंगुलर वेव चाहिए, ऐसे स्क्वायर वेव चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वेव को लेफ्ट से राइट भी ट्रैवल कराना पड़ेगा और अप एंड डाउन भी ट्रैवल कराना पड़ेगा। तो जो अप एंड डाउन ट्रैवल कराना है और लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कराना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम को मैं डिफ्लेक्ट करा चुकूं अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आती है। चलो, डायरेक्ट द बीम वर्टिकली। सो यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एक्स प्लेट एंड वाई प्लेट इट इज पॉसिबल टू मूव द बीम एनीवेयर इन द स्क्रीन। अब मैं क्या चाहता हूं कि पहले क्या था, ये ग्रेटिक्यूल, इसको बोलते स्क्रीन। पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, एक ही बीम पे स्पॉट कर रहा था, एक ही जगह पे स्पॉट कर रहा था आशुतोष। अब क्या हो रहा है, अब मैं चाहूं तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, कहीं भी ले जा सकता हूं। और वो मैकेनिज्म कौन सा है, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली। वो मैकेनिज्म का नाम क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली। तो मैंने क्या बोला, सो यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लेट्स, सो यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लेट्स इट इज पॉसिबल टू मूव द बीम एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये आपका स्क्रीन है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो, तो यहां पे बात समझ में आने वाली बात ये है, समझने की बात ये है कि अगर मुझे सीआरओ के ग्रेटिक्यूल पर, अगर मुझे सीआरओ के ग्रेटिक्यूल पर, ग्रेटिक्यूल का मतलब स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है,
तुमने देखा होगा जब एक्सपेरिमेंट किया होगा थर्ड सेम में, तो यहाँ पे कुछ साइन वेव होती है, कभी ट्रायंगुलर वेव दिखती है, कभी स्क्वायर वेव दिखती है, तो वो दिखती कैसे? मतलब कोई सपना थोड़ी आएगा कि वो अपने आप बन जाएगी ऐसे, कभी साइन वेव बना रहे हो, कभी ट्रायंगुलर बना रहे हो, कभी रेक्टेंगुलर बना रहे हो, ये डिस्प्ले होता कैसे, ये डिस्प्ले होता कैसे? तो यहाँ पे दो प्लेट्स है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, एक वर्टिकल प्लेट है। यानी जब प्लेट्स की बात कर रहा हूं तो एक एम्पलीफायर होगा, एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होगा, एक वर्टिकल एम्पलीफायर होगा एनालॉग की तरह। इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल पे इनपुट अलग देना पड़ेगा और वर्टिकल पे इनपुट अलग देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल पे इनपुट अलग देना पड़ेगा और वर्टिकल पे इनपुट अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो इनपुट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल इनपुट, एक वर्टिकल इनपुट। अब बात समझना, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, वर्टिकल का क्या मतलब है। देखो समझो, जब तुम ऐसे स्क्रीन बनाते थे, ध्यान से समझना पहले मेरी बात, तुम एग्जाम में गए, लैब में गए और तुमने देखा कि तुम्हारी साइन वेव ऐसे बन रही है, तुमने ऐसे साइन वेव बनाई। अब मुझे बताओ, तुम्हारी सीआरओ की स्क्रीन वो तो इतनी सी होती है ना, ग्रीन कलर की, तुमने देखा होगा तुम्हारी क्लास में ग्रीन या ब्लू कलर की स्क्रीन होगी, वो इसी तरीके की स्क्रीन होती है। तो वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट हुई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और यहां पे आ गई। उसके बाद आगे वाली वेवफॉर्म कहां गई? इसके आगे भी तो वेवफॉर्म होगी, वो कहां गई? वो तो गायब हो गई, गायब नहीं हुई, वो वापस जैसे ही यहां पे खत्म हुआ, वापस वो वेवफॉर्म यहां पर आ गई और स्टार्ट हो गई। तो वो वेवफॉर्म कंटिन्यूअसली चली रही है, वो वेवफॉर्म कंटिन्यूअसली चली रही है, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि स्टेशनरी है। वो वेवफॉर्म कंटिन्यूअसली मूव ही कर रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है स्टेशनरी है। अगर वो स्टेशनरी ना दिखे तो ना आप इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड मेजर कर सकते हो, ना फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो, ना फेज मेजर कर सकते हो। तो वो कौन सी टेक्निक है जो इस वेवफॉर्म को स्टेशनरी रख रही है, या जब ये वेवफॉर्म यहाँ पे आके खत्म हो गई है तो आगे वाला पार्ट वापस आपको यहाँ स्टार्टिंग से दिखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब सी के बाद वाला जो पार्ट है वो कहाँ गया? वो वापस ए से स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है ए से स्टार्ट हो गया, वो है वहीं पर, लेकिन वो स्टेशनरी हो गया है। वो वेवफॉर्म तो कंटिन्यूअसली मूव हो रही है सीआरओ पर, लेकिन उसको स्टेशनरी भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वेवफॉर्म दिखेगा नहीं। इसलिए मुझे यहाँ पे दो इनपुट चाहिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल इनपुट, एक होता है वर्टिकल इनपुट। अब ध्यान से समझना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे लगेंगे, नहीं तो नहीं लग पाएंगे। देखो बड़ा शब्द देते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ गए इसका तो समझ लेना। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट का क्या मतलब है, ठीक है? देखो अब समझो बात, अभी मैं बोल रहा हूं कि मैंने वर्टिकल इनपुट दिया ही नहीं है, वर्टिकल इनपुट नॉट गिवन। क्या बोल रहा हूं मैं? वर्टिकल इनपुट नॉट गिवन, ओनली हॉरिजॉन्टल इनपुट इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल, तो हॉरिजॉन्टल पे देना क्या है, हॉरिजॉन्टल पे देते क्या है वो बात सुनो। हम देते हैं सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव मतलब ऐसे एक रैंप जनरेटर, आपने देखा होगा वहां पे एक फंक्शन जनरेटर होता है ऐसे, मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये सॉटूथ वेव है, इसको बोलते हैं रैंप जनरेटर या स्वीप वोल्टेज। ये मान लो माइनस है, ये बीच में जीरो है और ऊपर है टू वोल्ट, कुछ भी मान सकते हो, तीन वोल्ट या प्लस थ्री वोल्ट मान लो, माइनस टू वोल्ट या माइनस टू प्लस टू वोल्ट, कुछ भी मान लो, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल वोल्टेज है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल इनपुट। इसको बोलते हैं सॉ टूथ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? सॉ टूथ वोल्टेज। अब देखो बात समझो, इसका क्या मतलब है? यहां पे हॉरिजॉन्टल पे मैंने एक वोल्टेज दिया जो माइनस टू से प्लस टू जा रहा है। अब इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट को ए, इस पॉइंट को नाम दे देते बी जब जीरो होता है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। अब जब देखो, जब वापस ये टू वोल्ट हो गया तो ये वापस से माइनस टू वोल्ट पे आ गया, नहीं आ गया? सिमिलरली जैसे ही वापस 2 वोल्ट होता है, माइनस 2 वोल्ट पे आ जाता है, नहीं आ जाता है? इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा ग्रैटिक्यूल था, ग्रैटिक्यूल मतलब ये तुम्हारी स्क्रीन, अब देखो बात समझो, ये पॉइंट था तुम्हारा ए, ये पॉइंट था सी और ये पॉइंट था बी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर था, उसको वोल्टेज क्या दिया तुमने? माइनस टू वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे था पॉइंट ए पर, और यहां पे वोल्टेज कितना था? माइनस टू वोल्ट। ये लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है। देखो माइनस टू से टू,
फिर नीचे आया, फिर माइनस टू से टू, तो ये लेफ्ट मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, लेफ्ट मूव हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वीप वोल्टेज। स्वीप का मतलब मूवमेंट लेफ्ट टू राइट। बी पे कहां पर हो गया जीरो वोल्ट, तो बी पे कहां हो गया जीरो वोल्ट। सिमिलरली सी पे क्या हो गया ये प्लस टू वोल्ट, ध्यान देना। उसके बाद सी के बाद जब ये टू वोल्ट आ गया तो वापस कहां पर आ गया माइनस टू वोल्ट। इसका मतलब ये तो आपकी स्क्रीन थी, इसका मतलब ये तो बेटा सॉटूथ जनरेट नहीं हुआ, मैं जनरेट करा रहा हूं। आशुतोष तुम कौन सी क्लास में हो पहले ही बता, तुम फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, कौन सी क्लास में हो पहले मुझे ये बता दो। आशुतोष काइंडली कैन यू प्लीज टेल मी यू आर इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो किताबों में नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ये पढ़ेगा फाइनल ईयर में हो फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते। देखो ये बेटा कोई जनरेट नहीं कर रहा है, ये मैं दे रहा हूं, हॉरिजॉन्टल इनपुट मैं गिवन है बेटा, ये लिखा है गिवन, गिवन का मतलब है मैं दे रहा हूं, ये आ नहीं रहा है, इट इज गिवन। हाँ इसको देते हैं फंक्शन जनरेटर से। तुमने पूछा है सर हॉरिजॉन्टल इनपुट से सॉटूथ कैसे जनरेट हुआ, जनरेट नहीं हुआ, मैं दे रहा हूं इसको, इट इज गिवन, इट इज रिटन ना, ओनली हॉरिजॉन्टल इनपुट इज गिवन, ये मैं दे रहा हूं, ठीक है, रैंप जनरेटर। चलो अब समझो बात को, माइनस टू वोल्ट पर ये ए पे था, बी पे क्या पे था जीरो वोल्ट, और सी पे कहां चला गया टू वोल्ट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी मैसे गया ए से बी, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन गया ए से बी, बी से वापस गया सी पर। पर मैंने तुमसे कहा कि सी के बाद गायब थोड़ी हो जाएगा, स्क्रीन तो यही है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को वापस घूम के ए पे आना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको नीचे वापस माइनस टू वोल्ट पे कर दूंगा, स्क्रीन वापस कहां पे आ जाएगी, स्टार्ट कहां से हो जाएगा सिग्नल, वापस ए से, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, एंड व्हेन रीचिंग सी इट अगेन गोज टू ए बट विल नॉट बी एबल टू सी दैट। आपको दिखेगा नहीं वो, क्योंकि वो स्क्रीन तो कंटिन्यूअसली चल रही है ना, तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो सी पे रीच हो जाएगा वापस ए पे आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं इसके लिए, सी वाले के लिए, चलो मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। ये बात समझ में आई सबको या नहीं आई, ये बात सबको समझ में आई नहीं आई, वेंकट मंडाही, हाय वेंकट, पर मेरी बात, ये बात सबको समझ में आई नहीं आई। पहले सिग्नल माइनस टू वोल्ट पे था तो इलेक्ट्रॉन बीम यहां पे थी, फिर ये जीरो हुआ तो ये बी पे था, उसके बाद सी पे था तो प्लस टू वोल्ट था तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वोल्टेज है माइनस टू वोल्ट, इस पॉइंट पे वोल्टेज है जीरो वोल्ट, इस पॉइंट पे वोल्टेज है प्लस टू वोल्ट, ठीक है। वर्टिकल इनपुट मैंने नहीं दिया है, जैसे ही सी पर वेवफॉर्म आ जाएगी, जैसे ही सी पर वेवफॉर्म आ जाएगी वापस ये ए पे आ जाएगा, और ये आपको दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे सी से ये माइनस टू पे आया तो ये वापस इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, When minus 2 volt, the electron beam direct to the extreme left, direct to extreme left, और जब इसको आप plus 2 volt दे दोगे, plus 2 volt का मतलब क्या है, the electron beam direct to the extreme right, direct to the एक्सट्रीम राइट। अभी तक मैंने यहां पर कोई साइनसोइडल इनपुट, ट्रायंगुलर इनपुट या स्क्वायर वेव इनपुट नहीं दिया है, बस मैं बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल इनपुट पे हम ये सॉटूथ वेव देते हैं और वो ऐसे मूव कराता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अच्छा इस वोल्टेज को स्वीप वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वीप वोल्टेज, क्यों, इस हॉरिजॉन्टल इनपुट को बोलते हैं स्वीप वोल्टेज। स्वीप वोल्टेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज स्वीपिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वीप वोल्टेज। इट इज आल्सो नोन एज स्वीप वोल्टेज, सॉटूथ वोल्टेज को स्वीप वोल्टेज भी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इनपुट अपन कौन सा देते हैं, स्वीप वोल्टेज। व्हाई वी आर गिवन स्वीप वोल्टेज, बिकॉज क्या लिख लोगे, इट इज स्वीपिंग, इट इज स्वीपिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे ये माइनस टू से, तो अगेन इट गोज फ्रॉम माइनस टू वोल्ट थ्रू जीरो वोल्ट टू प्लस टू वोल्ट एंड देन इमीडिएटली बैक्स टू माइनस टू वोल्ट, देन इलेक्ट्रॉन बीम
अगेन कम टू दी एक्सट्रीम लाइट, पर वो आपको दिखेगा नहीं। ये सी से इलेक्ट्रॉन बीम वापस ए पे आ जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग पोजिशन तो ए है, पर वो रिट्रेस आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत नैनो सेकंड का रिट्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस तो वेवफॉर्म चले ही जा रही है, तो वो रिट्रेस आपको दिखता नहीं है। अब बात समझना हो क्या रहा है, इनिशियली हो क्या रहा था एग्जैक्टली। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल पे इनपुट दिया, लेकिन एग्जैक्टली जब मैं वर्टिकल पे इनपुट दूंगा तो क्या होगा, आप देखो वर्टिकल पे इनपुट देंगे तो क्या होगा, देखो समझना। हमें अभी स्क्रीन पे क्या दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल इनपुट लाइन एबीसी एबीसी एबीसी, लेकिन मुझे तो साइन वेव चाहिए, मुझे तो ट्रायंगुलर वेव चाहिए, तो वो कैसे आएगी, अब देखो। सो ऑल वी आर गोइंग टू सी ऑन द स्क्रीन इज स्ट्रेट लाइन, मुझे क्या दिखेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। यह आपका ग्रैटिक्यूल है, यह आपका ग्रैटिक्यूल है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ऐसे दिख रहा है। इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया था ए बी सी, यहां पे मैंने कहा था +2 वोल्ट, इधर कहा था 0 वोल्ट, इधर कहा था -2 वोल्ट, लेकिन मुझे तो साइन वेव चाहिए ना, तो अभी मैंने क्या बोला, ओनली सिग्नल इज अप्लाइड टू द एक्स प्लेट, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल, एंड नो सिग्नल इज अप्लाइड टू वाई प्लेट्स, नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द वाई प्लेट्स। तो फिर वेवफॉर्म दिखेगी कैसे, वो जो साइन वेव आपको दिखती है वो दिखेगी कैसे। सो नाउ हाउ टू डिस्प्ले द वेवफॉर्म देन, हाउ टू डिस्प्ले द वेवफॉर्म देन। अब अगर मुझे साइन वेव बनानी है, ट्रायंगुलर वेव बनानी है, या कोई भी वेव बनानी है, वो दिखेगी कैसे, तो मुझे उसको वर्टिकल प्लेट्स पे देना पड़ेगा। मान लो आपको साइन वेव देनी है, तो आप क्या करोगे, साइन वेव डिस्प्ले कराना है, इसका क्या मतलब है, यानी यहां पर एक साइन वेव होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे तो मैंने क्या दे दिया, देखो ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, यहां पे तो मैंने सॉटूथ वेव दे दिया, और वाई प्लेट पे मुझे क्या देना पड़ेगा, साइन वेव, वाई प्लेट पे क्या देना पड़ेगा, साइन वेव। तो वी अप्लाई साइन वेव टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब देखो बात समझो, ये हॉरिजॉन्टल में तो सिंपल एक साइन वेव थी, अगर मैं वाई प्लेट पे साइन वेव दे देता तो मेरी वेवफॉर्म कैसे दिखती, वो देखो, ये मेरे 3 पॉइंट थे, ये तो सबको पता ही है, ये था ए, ये था बी और ये था सी। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। अब वो साइन वेव को मूव करा देगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाई प्लेट पे क्या दे दी है, साइन वेव। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करा देगा, वाई प्लेट पे साइन वेव को मूव करा देगा, बात समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा जो डिस्प्ले है वो ऐसे दिख जाएगा। तो जो भी वेवफॉर्म आपको सीआरओ की स्क्रीन पे दिखानी है, वो आप कहां पे दोगे, वाई प्लेट पर, और एक्स प्लेट पर आप सीआरओ में नॉर्मली कौन सी वेव देते हो, सॉटूथ वेव, वो स्टैंडर्ड है, और किसकी मदद से देते हो, ये फंक्शन जनरेटर की मदद से, तो आप साइन वेव ट्रायंगुलर वेव ये दे सकते हो, और नॉर्मली सीआरओ में जो हॉरिजॉन्टल इनपुट है वो क्या होता है, सॉटूथ वेव, या उसको बोलते हैं स्वीप वोल्टेज। बात समझ में आई कि डिस्प्ले दिखेगा कैसे, अगर आप ट्रायंगुलर देना चाहते हो तो वाई पे ट्रायंगुलर दे दो, एक्स पे तो सॉटूथ ही चलेगा, अगर आप चाहते हो स्क्वायर वेव तो वाई पे स्क्वायर वेव दे दो, और एक्स पे तो क्या चलेगा, सॉटूथ। बात समझ में आई या नहीं आई, इज इट क्लियर और नॉट, ये बेसिक से आइडिया समझ में आया नहीं आया पहले सबको, ये बताओ। ये बेसिक थी बात समझ में आई कि डिस्प्ले कैसे हो रहा है सीआरओ पर,
हॉरिजॉन्टल पे क्या देना है और वर्टिकल पे क्या देना है, एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दो। बाकी लोगों को समझ में आया? चलो ठीक। हाँ बेटा सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। एक्स प्लेट पे हॉरिजॉन्टल पे हमेशा सॉटूथ आएगा, कंपलसरी है, फिक्स है। और वाई प्लेट पे जो वेवफॉर्म है जिसका मुझे डिस्प्ले दिखाना है, जिसका मुझे टाइम पीरियड मेजर करना है, जिसका मुझे फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, वो हमेशा वाई प्लेट पर देंगे और एक्स प्लेट पे हमेशा सॉटूथ आएगा। एक और बात, ये जो सॉटूथ आप देते हो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये जो सॉटूथ आप देते हो, हाउ टू फाइंड वेवफॉर्म, कौन सी बेटा वेवफॉर्म थोड़ी फाइंड करनी है, बेटा वेवफॉर्म थोड़ी फाइंड करनी है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि वेवफॉर्म डिस्प्ले कैसे करनी है, फाइंड कैसे करनी है, ये तो मैंने बोला ही नहीं है कि फाइंड कैसे करनी है। कौन सी वेवफॉर्म फाइंड करना चाहते हो? चलो अब देखो बात समझो, ये जो तुमने हॉरिजॉन्टल पे इनपुट दिया था वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पे जो तुमने सॉटूथ दिया था उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पे जो तुमने इनपुट दिया था एक्स प्लेट पर, बात समझो, वो तुमने कुछ ऐसा दिया था और मैंने कहा था कि वो ऐसे डायरेक्टली नीचे आ जाता है, पर ये देखो ध्यान देना, ये ऐसे होता नहीं है एग्जैक्टली। मतलब लोगों को लगता है कि ये डायरेक्टली माइनस टू से जीरो आ जाता है, पर ये ऐसे होता नहीं। क्यों नहीं होता? थोड़ा बहुत रिट्रेस टाइम लेता है और वो रिट्रेस टाइम होता है उसको बोलते हैं फ्लाईबैक टाइम। क्या बोलते हैं? फ्लाईबैक टाइम। अब समझना, ये था आपका माइनस टू वोल्ट, ये सेंटर में क्या था? जीरो वोल्ट। सेंटर में क्या था? जीरो वोल्ट। उसके बाद वापस आपका प्लस टू वोल्ट। तो लोगों को क्या लगता है माइनस टू से टू जाता है और टू से वापस माइनस टू पे फटाफट से आ जाता है, लेकिन ये इतना शार्प फॉल नहीं होता है। आप देखो यहां पे थोड़ा सा टाइम वो लेता है, उसको बोलते हैं फ्लाईबैक टाइम। क्या लेता है? फ्लाईबैक टाइम। थोड़ा बहुत तो एरर हर चीज में आता ही आता है, लेकिन ये फ्लाईबैक टाइम इतना स्मॉल है नैनो सेकंड में कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये कब आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्लाईबैक टाइम क्या है, तो वैसे भी स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जाती है। इस फ्लाईबैक टाइम में स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जाती है नैनो सेकंड के लिए। अब मुझे बताओ, अगर आपकी स्क्रीन नैनो सेकंड के लिए गायब हो गई तो आपको पता थोड़ी पड़ेगी, आपकी आंख रीड ही नहीं कर पाएगी। योर आईज विल नॉट बी एबल टू रीड दैट, कि वो ब्लैंक हुआ या नहीं हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे फ्लाईबैक टाइम क्या है, तो मैं बता दूं, माइनस टू से टू जाने के बाद टू से माइनस टू ऐसा स्टीप नहीं आता है, थोड़ा सा टेढ़ा आता है वो, लेकिन ये इतना स्मॉल है, ये इतना स्मॉल है कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये कब हो गया। ठीक है, तो ड्यूरिंग फ्लाईबैक टाइम, इसको लिख लेना अगर ये थ्योरी में आता है ईएसी में, ड्यूरिंग फ्लाईबैक टाइम स्क्रीन इज ब्लैंक्ड आउट। ठीक है, ड्यूरिंग फ्लाईबैक टाइम स्क्रीन इज ब्लैंक्ड आउट, सो यू कैन नॉट सी द बीम रिट्रेसिंग बैकवर्ड्स, सो यू कैन नॉट सी द बीम रिट्रेसिंग बैकवर्ड्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो वैसे भी मुझे कहां दिख रहा है कि वो वापस सी से ए पे जा रहा है? मुझे तो वैसे भी नहीं दिख रहा ना सी से ए पे कब जा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम बहुत नैनो सेकंड में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्लाईबैक टाइम क्या है। ठीक है, चलो, तो बेसिक सी दो चीजें मैंने बोली कि हॉरिजॉन्टल पे आपको सॉटूथ देना है और वर्टिकल में आपको जो वेव डिस्प्ले कराना चाहते हो, साइन वेव, ट्रायंगुलर या जो भी, वो आपको देना है। और ये जो वेव आप देना चाहते हो ये किसकी मदद से दोगे? फंक्शन जनरेटर की मदद से। वहां पे आपने देखा होगा एक फंक्शन जनरेटर रखा रहता है सीआरओ के पास में, उसका काम क्या होता है? जो भी वेव आपको डिस्प्ले करानी है वो दे देगा, जो भी वेव आपको डिस्प्ले करानी है वो दे सकते हो। अब देखो बात समझो, ये डिस्प्ले कैसे करेगा? देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे एक सॉटूथ वेव दिया, देखो ध्यान से देखना, एक सॉटूथ वेव दिया, ये सॉटूथ वेव, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये आपने दिया माइनस टू वोल्ट और यहाँ पे आपने दिया प्लस टू वोल्ट, प्लस टू वोल्ट ही तो है,
और बीच में जीरो तो है ही, और मान लो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने जो सॉटूथ वेव ली है उसका फ्रीक्वेंसी मैंने ले लिया 1 किलोहर्ट्ज। कितना ले लिया? सॉटूथ वेव और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज, ये मैंने ले ली। और ये कहां पे दिया मैंने? एक्स प्लेट पर। किधर दिया? एक्स प्लेट। तो कुछ ना कुछ इसका टाइम पीरियड भी होगा, तो मैं टाइम पीरियड मेजर कर लेता हूँ। टाइम पीरियड क्या होगा? 1/f, यानी 1/1 किलोहर्ट्ज। तो 1 किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 1 मिलीसेकंड। 1 किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 1 मिलीसेकंड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने एक्स प्लेट पे दिया और वाई प्लेट पे मान लो मैंने ये पे दिया होता, वाई प्लेट पर मैंने एक साइन वेव दी होती कुछ इस तरीके से, ठीक है, वाई प्लेट पे मैंने एक साइन वेव दी है। तो ये वाई प्लेट पर मैंने साइन वेव दी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 1 किलोहर्ट्ज। तो टाइम पीरियड उसका भी कितना हो जाएगा? 1 मिलीसेकंड। इसको बोलते हैं सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन। बात समझना, जो सॉटूथ वेव है उसका टाइम पीरियड और आपकी साइन वेव है उसका टाइम पीरियड दोनों सेम है, यानी 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ साइन वेव ऑन द स्क्रीन। देखो डिस्प्ले क्या करेगा? सीआरओ डिस्प्ले क्या करेगा? जो तुम्हारी सॉटूथ वेव का जितना टाइम पीरियड है उतने में जितनी साइन वेव आ गई है वो डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने कहा अगर साइन वेव ये होती तो साइन वेव डिस्प्ले क्या करता? सीआरओ डिस्प्ले क्या करता स्क्रीन पर? सीआरओ जो डिस्प्ले करता स्क्रीन पर वो क्या करता? ये तो आपका पॉइंट है, आपको पता ही है एबीसी जिसको आप बोलते हो, ये आपका पॉइंट है जिसको आप बोलते हो ए बी और सी, और ये क्या होता है? ये होता है ए, बीच में होता है बी और ये होता है सी। तो सॉटूथ के लिए एबीसी होता है और उसी में एक साइन वेव है, तो ये डिस्प्ले क्या करेगा? सिंपल एक साइन वेव डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर। क्या डिस्प्ले कर देगा? एक साइन वेव, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम है। पर अगर मान लो कि जो तुमने साइन वेव दी है एक्स प्लेट पर, एक्स प्लेट पे तो सॉटूथ दिया है, वाई प्लेट पे जो तुमने साइन वेव दी है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल मान लो, ये बात समझ में आई ना, मान लो वाई प्लेट पर तुमने साइन वेव दी है और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली 2 किलोहर्ट्ज। क्या मान ली? 2 किलोहर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/2 का मतलब 0.5 मिलीसेकंड, यानी आधा, यानी 2 साइन वेव आ जाएगी ना वहां पर। इसका मतलब जो तुमने हॉरिजॉन्टल पे दिया है वो तो ये सॉटूथ वेव है, उसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। तुमने हॉरिजॉन्टल पे जो दिया है वो तो सॉटूथ दिया, उसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे तुमने दिया है -2 और यहां पे दिया है +2, और यहां पर तुमने क्या कर दिया? साइन वेव की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, यानी टाइम पीरियड आधा कर दिया। तो उसका मतलब क्या हो गया? 2 साइन वेव डिस्प्ले हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 2 साइन वेव डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहां पर तुमने क्या कर दिया है? इस तरीके, भाई इसका टाइम पीरियड कितना था? 1 मिलीसेकंड। अभी मेरी साइन वेव का टाइम पीरियड कितना हो गया? 0.5 मिलीसेकंड। इसका मतलब यह है कि यहां पे 2 साइन वेव आ जाएगी, एक साइन वेव तो ये रही और दूसरी साइन वेव ये रही। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना है? 1 मिलीसेकंड, और इसका टाइम पीरियड कितना हो गया है? 0.5 मिलीसेकंड। इसका टाइम पीरियड कितना है? ये तो 1 मिलीसेकंड था ही था, ये यहीं पे हो गया ना 0.5 मिलीसेकंड। यानी अब डिस्प्ले पे आपको कितनी साइन वेव दिखेगी? 2, यानी 2 कंप्लीट साइकिल ऑफ द साइन वेव ऑन द स्क्रीन। बात समझ में आई सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? तो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स जो है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये तो आपकी एक वेव बनी रही है और दूसरी वेव ऐसे बन जाएगी। ये पूरा का पूरा डिस्प्ले आपको सीआरटी स्क्रीन पे दिखेगा अगर एक्स की फ्रीक्वेंसी सेम है और वाई की फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
इसलिए इसको बोलते हैं टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपका हॉरिजॉन्टल का इनपुट उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है तो एक ही साइन वेव डिस्प्ले होगी। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल है तो दो साइन वेव डिस्प्ले हो जाएगी। मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि जब वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे खत्म हुई तो वेवफॉर्म वापस यहीं से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वेवफॉर्म ऐसे स्टार्ट हुई, यहां खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी वेवफॉर्म जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसा थोड़ी होगा स्क्रीन पर। अरे जैसे ये स्क्रीन है, समझ लो ये स्क्रीन है, दो स्क्रीन है, ये साइन वेव ऐसे चली और यहां जाके खत्म हो गई, तो वापस ये यहीं से तो स्टार्ट होगी, ऐसा थोड़ी होगा ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये वहीं से स्टार्ट हो जहां से एंड हो रही हो, उसके लिए मुझे टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। तो मान लो अगर एग्जाम्पल मैं लिया होता, मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया होता, फॉर एग्जाम्पल देखो गड़बड़ क्या होती, अगर एक्स प्लेट पर तुम फ्रीक्वेंसी ले लेते 1 किलो हर्ट्ज, ये कौन सा है तुम्हारा स्वीप वोल्टेज या सॉटूथ वोल्टेज जो भी तुम लेते हो, ठीक है, और वाई प्लेट पर, और सर अगर ज्यादा हो जाएगी तो मिलेगी नहीं हमें वेव, हाँ बता रहा, अगर वाई प्लेट पे मान लो तुमने फ्रीक्वेंसी ले ली 1.3 किलोहर्ट्ज। अब 1.3 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है ना, ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू सी द कंप्लीट वेव फॉर्म, वाई समझो 1 किलोहर्ट्ज तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, साइन वेव कैसा दिखता वो समझो बात को डिस्प्ले पर। ये तुम्हारा ग्रेटिट्यूड है जिसको तुम बोलते हो स्क्रीन, अब ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में है, ये तुम्हारा एबीसी एबीसी होता है बीच में। अब समझना बात, 1.3 का क्या मतलब है कि साइन वेव यहां से चली, एक साइकिल तो इसने पूरी कंप्लीट कर ली आराम से, जब दूसरी साइकिल कंप्लीट कर रहा था तो ये ऐसे जाके यहां पे अटक गया, यही हुआ। तो ये तो आपका ए था, ऐसे करते करते यहां पे जाके ये सी हो गया, ये वाला पॉइंट सी है। तो क्या होगा, अब समझना बात को, तुम्हें तो सीआरटी पे एक ही स्क्रीन दिखती है ना, दो दो स्क्रीन थोड़ी दिखती है, तो जब वेवफॉर्म यहां सी पे खत्म हुई तो अगली बार वेवफॉर्म फिर यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, अगली बार वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट होनी चाहिए ना, जीरो से थोड़ी स्टार्ट होगी, तो वेवफॉर्म ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर अगली बार यहां जाके खत्म हो जाएगी, फिर अगली बार वापस यहां से स्टार्ट होगी। तो तुम ये देखो बार बार इसका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट ही चेंज होता रहेगा ना ऐसे तो, अरे ऐसे तो वेवफॉर्म का बार बार स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट ही चेंज होता रहेगा, और अगर स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा तो मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करूंगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा तो वेव तो कभी भी स्टैटिक नहीं रहेगी। सीआरओ पे तुमने देखा होगा जो तुम्हारी वेव होती है वो मूव थोड़ी करती रहती है, वो करती है मूव लेकिन तुम्हें स्टैटिक दिखती है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, अगर उसका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा तो फिर तो मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेजर ही नहीं कर सकता हूं। इसी को तो बोलते हैं टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि एक्स प्लेट और वाई प्लेट की फ्रीक्वेंसी आपस में इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या तो आपस में इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है जो बोल रहा हूं? तो नाउ ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू सी द कंप्लीट वेव फॉर्म, सो व्हाट हैपेंस, परहैप्स अ पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म विल बी शोन लाइक दिस, और ये बार बार इसका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो मुझे इसी को तो ठीक करना है, मुझे इसी कंडीशन को तो ठीक करना है, इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करने का तरीका क्या है? सो वी नीड टू, एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, एक्स प्लेट और वाई प्लेट वाली, बार बार स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट चेंज नहीं हो सकते वेव फॉर्म के। सो वी नीड टू मेक इट स्टेबल, टू टेक मेजरमेंट्स, नहीं तो मैं टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे क्या चाहिए, इसी इसको ठीक करने के लिए, इस टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन को ठीक करने के लिए, उस अफेक्ट को बोलते हैं ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं? ट्रिगरिंग ऑफ ऑसिलोस्कोप।
तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप शिमिट ट्रिगर काम में लेते हो वही शिमिट ट्रिगर यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा ट्रिगरिंग के लिए, ताकि ये काम ना हो पाए। ठीक है, सो वी नीड टू मेक इट स्टेबल टू मेक मेजरमेंट। सो फॉर दैट वी यूज्ड ट्रिगरिंग ऑफ ऑसिलोस्कोप, ट्रिगरिंग ऑफ ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इस मेथड को, इस चीज को ठीक करने को क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग ऑफ ऑसिलोस्कोप। इसका मतलब क्या है कि वेवफॉर्म बार बार वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए जहां से एंड हुई, और ताकि वेवफॉर्म स्टैटिक रह सके। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, सो यू कैन राइट लाइक दिस। सो बाय ट्रिगर कंट्रोल, आपने देखा होगा सीआरओ में TRIGG करके एक ट्रिगर कंट्रोल होता है, वो इसीलिए ही होता है। सो बाय ट्रिगर कंट्रोल वी कैन, बेटा टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा रुक जाओ। मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूं कि ये वेवफॉर्म डिस्प्ले कैसे करती है, अभी मैंने सीआरओ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ ना। सो बाय ट्रिगर कंट्रोल वी कैन एग्जैक्टली मेक द वेवफॉर्म गोइंग फ्रॉम one place to another, so that next journey starts from the same starting point. So the next journey starts from the same starting point. So triggering का काम क्या है, इसको इस तरीके से सेट करना कि वेवफॉर्म का जो डिस्प्ले है वो तो स्टेशनरी रहे, वेवफॉर्म तो मूव करेगी लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम आना चाहिए। तो हमें क्या दिखेगा, वेवफॉर्म स्टैटिक दिखेगी। सो वी सी द स्टैटिक वेवफॉर्म, सो वी कैन सी द स्टैटिक वेवफॉर्म, और स्टैटिक वेवफॉर्म होगी तभी तो मैं मेजरमेंट कर पाऊंगा, और स्टैटिक वेवफॉर्म होगी तभी तो मैं मेजर कर पाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ट्रिगरिंग का काम क्या है, और ट्रिगरिंग किसकी मदद से करेंगे अपन, शिमिट ट्रिगर की वजह से, वो मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे करना। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि हॉरिजॉन्टल पे अब आपको क्या देना है, स्वीप वोल्टेज, वर्टिकल पे क्या है, जो वेवफॉर्म आपको दिखानी है वो देनी है, और एक्स और वाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी बहुत मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी इस तरीके से, ऐसे इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा डेसिमल नहीं होना चाहिए, या तो ये x और y की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस के फॉर्म में होनी चाहिए, थ्राइस के फॉर्म में होनी चाहिए, 1/2 के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसा होगा 1.3, 1.8, 1.9 तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर वेवफॉर्म का डिस्प्ले नहीं आएगा। और इस वेवफॉर्म के डिस्प्ले को ठीक करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिगरिंग करनी पड़ेगी, और ट्रिगरिंग किसकी मदद से करते हैं, यूजिंग शिमिट ट्रिगर, यूजिंग शिमिट ट्रिगर या आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट। तो स्वीप वोल्टेज पे एक्स प्लेट पे लगाएंगे, और वोल्टेज जो आपको मॉनिटर करना है वो कहां पे लगाओगे, वाई प्लेट पर। वोल्टेज जो मॉनिटर करना है वो कहां पे लगाओगे, वाई प्लेट पर। तो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया आपको कि एक्स प्लेट पे क्या देना है और वाई प्लेट पे क्या देना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स प्लेट और वाई प्लेट पे क्या देना है। तो मैंने आपको एक सीआरटी बनाया बिना डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का, फिर मैंने बताया कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्यों लगानी है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट क्यों देते हैं, और देने के बाद वेवफॉर्म कैसे बनेगी। ठीक है, चलो अब अपना टॉपिक क्या था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उस पे अपन आते हैं। ये एक बेसिक आइडिया था जो मुझे देना था, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट देते कैसे हैं। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि जो स्वीप वोल्टेज है, या इसको आप बोलते हो सॉटूथ वोल्टेज, तो अब कोई बच्चा ये नहीं पूछना कि हॉरिजॉन्टल पे सॉटूथ क्यों दिया है, इसको कहां पे देना है, एक्स प्लेट पर। एक्स प्लेट का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दूसरी बात मैंने ये बोली
कि जो आपको वोल्टेज मॉनिटर करना है, वोल्टेज टू बी मॉनिटर्ड या जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फेज एंगल निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, वो कहां पे देना है? वाई प्लेट्स पर। वाई प्लेट्स का मतलब क्या है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इसमें किसी को भी कोई क्यू एंड ए है तो मुझसे पूछ सकते हो। वोल्टेज टू बी मॉनिटर मतलब कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर वेव, जो भी मैं देना चाहता हूं वो दे सकता हूं, ठीक है। चलो, वोल्टेज टू बी मॉनिटर्ड का मतलब है उस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी फेज टू बी मेजर्ड, उस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड फेज टू बी मेजर्ड। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ रही सबको। चलो तो फिर अपन सीआरओ पे आ जाते हैं। सीआरओ होता क्या है? ठीक है, ये एक अंदर की चीज थी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे इनपुट क्या देते हैं। और मैंने सोचा आप लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो गए तो सीआरओ तो बच्चे सेकंड सेम या थर्ड सेम में पढ़ ही लेते हैं। सीआरओ तो सेकंड सेम और थर्ड सेम में पढ़ ही लेते हैं, तो मैंने सोचा था बच्चों को कुछ नया सा कंसेप्ट दे देते हैं। लेकिन फिर भी देखो, 20 बच्चे लाइव बैठा है क्लास में, 20 बच्चे लाइव बैठे हैं क्लास में, बताओ कैसे चलेगा? इतना अच्छा कंसेप्ट आपको क्रिएटर्स की टीम दे रही है, आपको सब कुछ हम लोग दे देते हैं, फिर भी बच्चा बहुत कम से कम लाइव आता है क्लास में। चलो आ जाओ सीआरओ में। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट डाउन सीआरओ, दैट इज नोन एज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो बेसिकली ये काम क्या करता है? डिस्प्ले मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ दी वेव फॉर्म। इसको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर। आप इसको इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर भी बोल सकते हो। तो चलो मैं आपको कुछ थ्योरी लिखा रहा हूं इसके लिए। देखो वैसे तो सीआरओ बच्चों को लगता है थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन पूरा न्यूमेरिकल आता है एग्जाम, पूरा न्यूमेरिकल आता है। मैं आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लेके आया हूं, मैं आपको बता देता हूं। ये मैं सारे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा आज क्लास में, ये सारे न्यूमेरिकल आपको क्लास में कराऊंगा। जितने भी ट्रिगरिंग के न्यूमेरिकल हैं, स्लोप के न्यूमेरिकल हैं, सीआरओ प्रोब का न्यूमेरिकल है, या एटेन्यूएटर का, सिद्धांत पूछ रहा है सर इसका नहीं समझ आया कि जब ये प्लेट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम 0.5 कर देंगे, क्या ये भी सर आप अगले टॉपिक में बताएंगे? बेटा 0.5 कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, उससे फर्क क्या हो जाएगा? सिग्नल तो एज इट इज ही बनेगा ना, चाहे 0.5 कर दो चाहे 1.5 में कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा सिद्धांत। एक्स और वाई प्लेट की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। उसको बोलते हैं लिसाजस फिगर, उसको बोलते हैं लिसाजस फिगर, जहां पे एफ वाई और एफ एक्स की फ्रीक्वेंसी से पैटर्न बनेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे ना अभी। बुलेट नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो सिद्धांत, उसको बोलते हैं लिसाजस फिगर्स। जब दो साइन वेव है उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? लिसाजस फिगर्स, वो हम पढ़ेंगे ना अभी। हाँ ठीक है, यहां पे मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि एक्स और वाई प्लेट की फ्रीक्वेंसी अगर ऐसे हो, इसको ठीक करने का तरीका उसको बोलते हैं ट्रिगरिंग। उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगरिंग, ठीक है। अभी टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा तो और क्लियर से समझ में आएगा। अभी टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन में और ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो, यार ये तो पता नहीं क्या भाषा लिख रहा है, अब इसको तो मैं पढ़ नहीं सकता यहाँ पे लाइव। चलो तो राइट डाउन, सीआरओ इज अ डिवाइस बेसिकली दैट अलाउज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल
whether they are voltage, current, power, etc. Whether they are voltage, current, power, etc. to be displayed primarily as a function of time. To be displayed primarily as a function of time. तो बेटा फिर तुम वहीं चले जाओ, यहां क्या कर रहे हो? वहीं चले जाओ, यहां क्या कर रहे हो? अगर वो अच्छा लग रहा है तो यहां पे क्या कर रहे हो? और ये ट्रांजिएंट थोड़ी किसी का नाम होता है, बताओ मम्मी पापा ऐसे नाम रखते हैं क्या? ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट? अगर सिर्फ उठपटांग कमेंट करने ही आए हो, अगर सिर्फ इधर उधर के कमेंट करने ही आते हो, नहीं नहीं अगर सिर्फ इधर उधर की चीजें ही कमेंट करने आते हो, कोई नहीं, अभी जो टीम है वो तुम्हें ब्लॉक कर देगी, उसमें क्या जा रहा है? चलो कुछ लोग तो सिर्फ परेशान करने आते हैं और कोई काम नहीं होता। कुछ नहीं, आजकल तो क्या होता है, कमेंट करने के भी पैसे मिलते हैं आपको। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि आप कमेंट करते रहो, दिन भर आपको पैसे मिलते रहते हैं। चलो अब बात समझ लो कि सीआरओ जो है कैथोड रे ट्यूब, सीआरओ जो है कैथोड रे ट्यूब डिस्प्लेड प्राइमरीली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बता दिया वोल्टेज, करंट, पावर, ये सब डिस्प्ले कर सकता है। तो बेसिकली इट इज यूज फॉर डिस्प्ले, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द वेव फॉर्म। तो मिनिमम कितना इवेंट कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। इट इज यूज फॉर डिस्प्ले, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जो थ्योरी में वो पूछ लेता है ईएसी में बार बार, सीआरओ इज केपेबल, मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? सीआरओ इज केपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग इवेंट्स, क्योंकि आप तो जूम करके वेवफॉर्म को देख लेते हो, लेकिन कितना डिस्प्ले कर सकता है? सीआरओ इज केपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग इवेंट्स दैट टेक प्लेस over period of microseconds and nanoseconds। तो आजकल तो डिजिटल आ गए हैं और कम चला जाता है, ये बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी कितनी मिनिमम कर सकता है वो बता देता हूं। CRO is now available चलो ट्रांजिएंट ब्लॉक हो गया भाई, सीआरओ इज नाउ अवेलेबल विच कैन मेजर अप टू 1 GHz एंड ऑब्जर्व इवेंट्स एज स्मॉल एज 20 Hz इन ड्यूरेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 20 Hz इन ड्यूरेशन। तो ये थ्योरेटिकल का टॉपिक है, ईएसी में पूछ लेता है 1 GHz और 20 Hz, तो ये आपको याद होना चाहिए। याद होगा तो आप टिक कर पाओगे, याद होगा तो आप टिक कर पाओगे, ठीक है? चलो चलिए आगे आ जाओ। अब सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब की बात कर लेते हैं कि वो दिखती कैसे है, कौन कौन से फीचर हैं, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली क्या होती है, फोकसिंग एनोड क्या होती है, एक्सेलरेटिंग एनोड क्या होती है, ग्रिड क्या है, फॉस्फर स्क्रीन क्या है, एक्वाटेक कोटिंग क्या काम करती है, उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यार फिक्स नहीं रहता है वो, ये बोल रहा है
कि इतना जा सकते हो 1 GHz से लेकर 20 Hz ड्यूरेशन तक। अब डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आ गए हैं, वो और कम तक चले जाते हैं, उसकी अलग अलग रेंज है। नहीं सर, ये मेरे पीछे आ जाएगा डायग्राम। देखो नहीं यार, ऐसा तो मैंने क्या बोल दिया कि इंस्पिरेशन की बात कर दी मैंने, ऐसा तो मैंने क्या बोला यार, अभी इंस्पिरेशन का तो कुछ कहा नहीं मैंने। ये आपकी पेन है, यहां पे मैंने कैथोड लगा रखा है, दिस इज द बेस, ठीक है। नाउ दिस इज द कंट्रोल ग्रिड एंड द हीटर, ठीक है ना। ये आपका कैथोड और हीटर हो गया, दिस इज योर कंट्रोल ग्रिड, दिस इज योर फोकसिंग एनोड, दिस इज योर एक्सीलरेटिंग एनोड, और यहां पे दो डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली है, वो तो तुम्हें पता ही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब डायग्राम तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाई दिया था, पर मैं ये बना के दिखा रहा हूं तुमको, चाहो तो वो वाला डायग्राम यूज कर लो जो मैंने तुम्हें डायरेक्टली टाइप फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, तो यहां पे हो क्या रहा है, असलियत में हो क्या रहा है, दिस इज द बेस, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द हीटर। ये आपका हीटर है, यहां से कैथोड है जहां से प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो मुझे क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को फोकस करना है ताकि इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से वो टकरा सके, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करना है। तो यहां पर एक कंट्रोलिंग ग्रिड है टू इंक्रीज द ब्रिलियंसी ऑफ द स्पॉट, यहां पे एक फोकसिंग एनोड है जो इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहा है, और एक एक्सीलरेटिंग एनोड है। दिस इज द ग्रिड टू इंक्रीज द ब्रिलियंसी ऑफ द स्पॉट, दिस इज द फोकसिंग एनोड, ये आपका हो गया एक्सीलरेटिंग एनोड, इस असेंबली को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कंसिस्ट ऑफ, यहां पे दो तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली क्या क्या कंसिस्ट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, फोकसिंग एनोड एंड एक्सीलरेटिंग एनोड। तो यहां पे बेसिकली काम क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से कैथोड से हीट होके निकल रहा है, ग्रिड का काम क्या होता है, स्पॉट जो है आपको इलेक्ट्रॉन बीम जो दिख रहा है, यानी जो साइन वेव दिख रही है, अगर आप चाहते हो कि उसकी ब्रिलियंसी इंक्रीज कर सको, तो कंट्रोल ग्रिड को आपने देखा होगा, एक ग्रिड करके एक वहां सब्जेक्टेड है, ग्रिड करके एक नॉब सा होता है, अगर उस नॉब को घुमाओगे तो आपका जो साइन वेव है या स्क्वायर वेव है उसकी ब्रिलियंसी इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन को वेरी करना है तो मुझे कंट्रोल ग्रिड चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फोकसिंग एनोड? फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड का काम क्या है, इज टू कंसेंट्रेट एंड फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन एंड टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली का काम क्या है,
यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो मैंने आपको कहा था कि जो साइन वेव है या स्क्वायर वेव है उसको मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर भी चले और लेफ्ट से राइट भी चले, तो उसके लिए मुझे एक वाई प्लेट चाहिए और एक एक्स प्लेट चाहिए। तो दिस इज योर वाई प्लेट। द प्लेट्स विच आर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एंड देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। हाँ बेटा मैं पूरा लिखा दूंगा, पूरा लिखाऊंगा, सब कुछ लिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। ये जो प्लेट्स जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और जो प्लेट्स वर्टिकली प्लेस्ड हैं उनको क्या बोलते हैं? उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स प्लेट, या उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इधर टकराया और इधर जाके स्क्रीन पे जाके टकरा रहा है। ठीक है, ये जो स्क्रीन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फर स्क्रीन। ये कौन सा स्क्रीन है? इसको बोलते हैं फॉस्फर स्क्रीन। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ये गेन करता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? फॉस्फर स्क्रीन। ये फॉस्फर स्क्रीन ही है जिसकी वजह से आपको साइन वेव, आपने देखा होगा सीआरओ में व्हाइट दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कभी अल्ट्रा वायलेट दिखता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल ऑफ दिस फॉस्फर, कि मटीरियल कौन सा है, जिंक सल्फेट है, ऑर्थो सिलिकेट है, कौन सा मटीरियल है जिसकी वजह से वेव, साइन वेव आपको कभी ब्लू दिखती है यानी अल्ट्रा वायलेट, कभी व्हाइट, कभी ग्रीन। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फर स्क्रीन। ये क्या है? फॉस्फर स्क्रीन, या इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो वो डिपेंड करता है फ्लोरोसेंट मटीरियल कौन सा लगा हुआ है, और अंदर की तरफ एक कोटिंग होती है उसको बोलते हैं एक्वाडेक कोटिंग। क्या बोलते हैं? एक्वाडेक कोटिंग, टू कलेक्ट द सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज अ कोटिंग इनसाइड द फ्लेयर्ड एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये क्या है? आपका ग्लास ट्यूब है ना, इस फ्लेयर्ड एंड के, फ्लेयर्ड एंड का मतलब ये वाला फ्लेयर्ड, यहाँ पे एक्वाडेक कोटिंग करी जाती है ताकि सेकेंडरी एमिशन को, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करा जा सके। इसको कलेक्ट किया जा सके, सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जा सके। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें लिखाने वाला हूं यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली क्या है, बेस क्या है, पिन क्या है, और फॉस्फर स्क्रीन क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम पहले बना लो। अगर डायग्राम बना लिया सिद्धांत, या आप राइटिंग एवरीथिंग, अगर ये डायग्राम आपने बना लिया, तो देखो यार ये डायग्राम तो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया था, ये डायग्राम तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था ये रहा, लेकिन बनाने से थोड़ा इजीली समझ में आता है, बनाने से थोड़ा इजीली समझ में आता है। ठीक है, चलो अब देखो बात समझो। एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली क्या है? देखो बात समझो, सबसे पहले राइट डाउन इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। और इलेक्ट्रॉन गन असेंबली की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं किस किस की बात करूंगा? कैथोड की, ग्रिड की, ठीक है ना, फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड की। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का काम क्या है? कि यहां से इलेक्ट्रॉन बीम जो निकले उसको फोकस और एक्सेलरेट कर दो टुवर्ड्स द फॉस्फर स्क्रीन। सो द सोल फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली इज टू प्रोवाइड अ फोकस्ड एंड एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम सो दैट इट मे बी विच इज एक्सेलरेटेड टू द फॉस्फर स्क्रीन। यही काम है। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ, गुड इवनिंग आकांक्षा, द फंक्शन ऑफ द असेंबली इज टू प्रोवाइड अ फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम, इज टू प्रोवाइड अ फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम विच इज एक्सेलरेटेड टू द फॉस्फर स्क्रीन, which is accelerated, शबरीश। अरे शबरीश कैसे हो तुम? बढ़िया हो क्या? मैं तो बढ़िया हूं यार।
काफी दिन से तुम आते नहीं हो मेजरमेंट की क्लास में, तुम ट्रांसड्यूसर की क्लास में थे मेरे ख्याल से। ट्रांसड्यूसर की क्लास में थे तुम। तो इट कंसिस्ट ऑफ कैथोड, कंट्रोल ग्रिड एंड मेनी थिंग्स। तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में पहला पॉइंट क्या है? कैथोड। रिकॉर्डेड देखते थे क्या? तो कैथोड इज बेसिकली अ निकल सिलेंडर। कैथोड का काम क्या है? क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है वो कैथोड और एनोड के बीच में है, जो वोल्टेज है वो कैथोड और एनोड के बीच में, जिसको मैंने बोला वी है। तो क्या बोल रहा हूं, इसकी कोटिंग की बात कर लेते हैं। कैथोड इज अ निकल सिलेंडर। तुम कौन सा भी मटेरियल ले सकते हो, यहां पे निकल सिलेंडर लिया हुआ है। थैंक यू सबरीश, थैंक यू यार, थैंक यू कर रहे हो तो अच्छी बात है यार, अच्छा लगता है मुझे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कैथोड इज अ निकल सिलेंडर। ओके, कोटेड विद एन ऑक्साइड कोटिंग ऑफ बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम। जरूरी नहीं है आप यही लो, लेकिन जनरली ये लिया जाता है। एंड इट एमिट्स प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हीटेड। इट एमिट्स प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हीटेड। ठीक है, दूसरी बात, कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है? कंट्रोल ग्रिड का काम है ब्रिलियंसी ऑफ द स्पॉट इंक्रीज करना। क्या काम है? ब्रिलियंसी ऑफ द स्पॉट इंक्रीज करना। तो यहां पे देखो एक होल है कवर में, ये होल है कवर में, यहां से तो ओपन है और यहां पर क्या है, एक होल है कवर में। तो बेसिकली कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है? तो फंक्शन इज टू वेरी द इलेक्ट्रॉन एमिशन। द फंक्शन इज टू वेरी द इलेक्ट्रॉन एमिशन। And therefore, brilliancy of the spot on phosphor screen. Brilliancy of the spot on phosphor screen. तो अगर आपको phosphor screen पर sine wave या triangular wave ढंग से नहीं दिख रहा है और अगर आप चाहते हो कि इसकी brilliancy increase करो, तो control grid को थोड़ा सा घुमा दो। Control grid को थोड़ा सा घुमा दो। ये basically एक metal cylinder है covered at one end but with a small hole in the cover, ठीक है? पर लो परमिबिलिटी मटेरियल का बना होता है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं किससे बना होता है। बेसिकली काम क्या है? To increase the brilliancy of the spot. To increase the brilliancy of the spot. तीसरा काम क्या है? आपका focusing और accelerating anode, उसका काम क्या है? Focusing and accelerating anode. मतलब गेट के एग्जाम में कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछता ये वाली, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस। इज टू कंसेंट्रेट एंड फोकस द बीम ऑन द स्क्रीन फॉस्फर स्क्रीन and to accelerate speed of electrons. To accelerate, तो अभी अपन velocity का formula भी निकालेंगे, to accelerate speed of electrons. ठीक है, चलो। तो basically छोटा सा काम है, cathode क्या है, control grid क्या है और focusing और accelerating anode क्या होता है। ठीक है, चलो। तो ये electron gun assembly का part है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया cathode, grid, फोकसिंग, एक्सेलरेटिंग एनोड का काम क्या है। ठीक है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट इज डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली। व्हाट इज डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली। तो डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली क्या होती है आपकी, जहां पे दो प्लेट्स हैं, एक एक्स प्लेट और एक वाई प्लेट। तो एक पेयर है, अगर वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, वाई डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, वाई प्लेट्स। अगर वो वर्टिकली प्लेस्ड है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आप हमेशा क्या देते हो, स्वीप वोल्टेज।
और वर्टिकल प्लेट पे क्या देते हो जो सिग्नल आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो क्या बोलते हो उसको? डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली। अभी मैं आपको पूरा डेरिवेशन भी करा दूंगा इसका, डेरिवेशन ही इसी में आ जाता है कभी कभार, और सारे न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, टाइम पर डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन, सेंसिटिविटी के सारे न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, लिसाज पेयर के। देखो सबसे पहले अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स यानी एक्स प्लेट, नहीं इसको एक्स प्लेट मत बोलो, ये पेयर है हॉरिजॉन्टल प्लेट का यानी जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाई प्लेट्स। इसको क्या बोलते हैं? वाई प्लेट्स। दे आर नोन एज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, देयरफॉर नोन एज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दूसरी बात, जो वेवफॉर्म आपको डिस्प्ले करानी है, चाहे साइन वेव हो चाहे स्क्वायर वेव हो, वो कहां पे लगानी है? वाई प्लेट पर। वो कहां पे लगानी है? वाई प्लेट पर। तो क्या लिख सकते हो? द वेवफॉर्म टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, द वेवफॉर्म टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन is applied to y plates. कहां पे लगानी है उसको? y plates पर, ठीक है। दूसरा क्या था? A pair of horizontal की जगह a pair of vertical plates. तो वो क्या बोलते हैं? यानी जो वर्टिकली प्लेस्ड है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, a pair of vertical plates, इट प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आपको मैं डेरिवेशन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया। प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्स प्लेट्स। एक्स प्लेट का मतलब ही है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दूसरी बात, जो सॉटूथ वेव है वो हमेशा कहां पे लगानी है? द वोल्टेज अप्लाइड ऑफ द एक्स प्लेट इज ऑलवेज, एक्स प्लेट पे जो आप वोल्टेज लगाते हो वो कौन सा लगाते हो? स्वीप वोल्टेज। द वोल्टेज ऑलवेज अप्लाइड टू एक्स प्लेट is always known as sweep voltage. क्या बोलते हैं उसको? Sweep voltage. या उसको क्या बोल सकते हो? Ramp voltage. क्या बोल सकते हो? Ramp voltage या sweep voltage. ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं जब मैंने तुम्हें बताया कि horizontal और vertical plates पे input कैसे देते हैं, ठीक है। चलो तीसरा, तीसरा point क्या है कि यहां पे आपकी एक fluorescent screen है, तो जो ये electron है उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन व्हेन स्टक बाय दी, व्हेन स्टक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ये फॉस्फर स्क्रीन पे जाएगा तो क्या करेगा? उस काइनेटिक एनर्जी को लाइट में बदल देगा, और लाइट में बदल देगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। इसलिए स्क्रीन को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, या फॉस्फर स्क्रीन बोल लो, या क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन का क्या काम है? देखो तीसरा पॉइंट क्या है, ये एंड वॉल ऑफ द सीआरटी जो आपको दिखता है जिसको बोलते हैं ग्रेटिक्यूल, सो द एंड वॉल ऑफ सीआरटी, एक सेकंड, the end wall of CRT is called screen
एंड इज कोटेड विथ फॉस्फर. एंड इज कोटेड विथ फॉस्फर. तो मैंने क्या बोला, व्हेन स्टक बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस. तो व्हेन स्टक बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इट ग्लोस. और कलर डिपेंड करेगा कि वो कौन से कलर पे ग्लो कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कौन सा फॉस्फर मटेरियल आपने यूज किया है. ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स यू कैन से लाइक दिस, इट एब्जॉर्ब्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट एब्जॉर्ब्स द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, इट एब्जॉर्ब्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू लाइट. और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फ्लोरोसेंस. द प्रोसेस बीइंग, या ऐसे लिख लो, द प्रोसेस नोन एज फ्लोरोसेंस. ठीक है ना, इसलिए स्क्रीन को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन. स्क्रीन को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन. लेकिन स्क्रीन पर आपको व्हाइट लाइट दिख रही है, ग्रीन लाइट दिख रही है या वायलेट दिख रही है, वो डिपेंड किस पे करता है, कौन सा मटेरियल फॉस्फर का आपने यूज किया है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंड, ये थ्योरेटिकल का टॉपिक है, एंड कलर ऑफ. हाँ बेटा, न्यूमेरिकल भी मैं आज ही कराऊंगा, तो टेंशन क्यों लेते हो. अपन 3:30 बजे, देखो 3 घंटे की तो मिनिमम क्लास है ही ना, तो 3 घंटे के अंदर न्यूमेरिकल भी आएंगे, क्यों टेंशन लेते. एंड कलर ऑफ, और एक एटेन्यूएटर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीआरओ का, वो भी मैं आज ही पढ़ाऊं. एंड कलर ऑफ एमिटेड लाइट डिपेंड्स अपॉन द फॉस्फर यूज्ड. फॉस्फर यूज का मतलब है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो. तो आपने देखा होगा आपकी लैब में कभी कभी साइन वेव आपको इस कलर की दिखती है, कभी साइन वेव आपको इस कलर की दिख सकती है, कभी साइन वेव इस कलर की दिख सकती है. तो ये अलग अलग कलर जो है वो क्यों आ रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि फॉस्फर कौन सा यूज लिया है. तो मान लो आपने फॉस्फर काम में लिया है, जिंक या ऑर्थो सिलिकेट, जिंक लिया है या उसको लिया है ऑर्थो सिलिकेट, इसको ऐसा भी बोलते हैं. ये ईएसी में आ जाता है थ्योरी के लिए, ध्यान रखना कि थ्योरी में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव. जिंक या ऑर्थो सिलिकेट है तो वो आपको ग्रीन ट्रेस देगा, यानी जो साइन वेव है आपको किस कलर की दिखेगी, ग्रीन की. और ये बेसिकली किस लिए काम में आता है, सूटेबल फॉर विजुअल ऑब्जर्वेशन, सूटेबल फॉर विजुअल ऑब्जर्वेशन. दूसरा, अगर मटेरियल आपका कैल्शियम टंगस्टेट है तो वो आपको दिखेगा ब्लू या अल्ट्रावायलेट लाइट. क्या दिखेगा, ब्लू या अल्ट्रावायलेट लाइट आपको दिखेगी, तो वो सूटेबल फॉर फोटोग्राफी है. कैल्शियम टंगस्टेट दैट गिव्स ब्लू और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एंड दैट इज सूटेबल फॉर फोटोग्राफी. तीसरी चीज है उसको आप बोलते हो जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, एंड दैट गिव्स व्हाइट लाइट. तो आपने देखा होगा किसी किसी सीआरओ में व्हाइट लाइट दिखती है, वो कौन से मटेरियल की वजह से दिख रही है, जिंक सल्फाइड. तो आपने का जो टीवी है, जो आपका पुराना टीवी होता था उसमें जो सीआरटी ट्यूब होती थी, उसमें जो फॉस्फर मटीरियल था वो जिंक सल्फाइड ही था, इसलिए दैट इज सूटेबल फॉर टेलीविजन, दैट इज सूटेबल फॉर टेलीविजन. अब तो आपके एलईडी, एलसीडी आ गए, एलईडी आ गए, अब तो क्वाडकॉम अलग अलग तरीके के टीवी आ गए हैं, क्यूएलईडी टेक्नोलॉजी आ गई है. ठीक है, चलो, तो
तो मैंने आपको बता दिया, सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन बीम, बात समझना, ये फॉस्फर स्क्रीन इन तीन मटेरियल में से किसी की भी बनी हो सकती है, और भी मटेरियल है पर मैं तीन की बात कर रहा हूं अभी जनरली, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है, व्हेन स्ट्राइक द स्क्रीन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द फॉस्फर मटीरियल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। लेकिन वो हीट कहां पर क्रिएट होगी, फॉस्फर स्क्रीन पर। तो जो फॉस्फर स्क्रीन है उसका बर्न रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो उसको डैमेज कर देगा। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, जब वो हैवी इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ हीट होगी, जब वो स्क्रीन से टकराएगा तो स्क्रीन को डैमेज कर सकता है, इसलिए स्क्रीन का बर्न रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर वो कर देगा फॉस्फर बर्न। फॉस्फर बर्न का पास, अच्छी बात है पुराना टीवी है तुम्हारे पास विवेक, अच्छी बात। तो मैं ये बोल रहा हूं कि उसका फॉस्फर बर्न हो जाएगा, तो फॉस्फर का जो बर्न रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो बर्न कर देगा। तो क्या बोला मैंने, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम, ये तुम सब लोग लिख रहे हो ना इसको, या पीडीएफ के भरोसे हो लिख रहे हो ना साथ के साथ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द स्क्रीन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द फॉस्फर मटीरियल, और वो क्या करेगा, हीटिंग पैदा करेगा, दिस क्रिएट्स हीटिंग। चलो अच्छी बात है लिख रहे हो तुम, दिस क्रिएट्स हीटिंग, दिस हीट प्रोड्यूस्ड गिव राइज टू फॉस्फर बर्न, गिव राइज टू फॉस्फर बर्न। तो फिर तो आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, अगर उसने फॉस्फर ही खराब कर दिया फिर तो आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, विच इज डैमेजिंग एंड कॉज फॉस्फर डिस्ट्रक्शन, एंड कॉज फॉस्फर डिस्ट्रक्शन। तो अब आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने कहा कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। सो फॉस्फर मटीरियल आइडली शुड हैव हाई बर्न रेजिस्टेंस, सो फॉस्फर मटीरियल शुड हैव हाई बर्न रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये आपकी तीन चार बातें थी जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी बात थी, कि फॉस्फर स्क्रीन क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन गन असेंबली क्या होती है। तो ये अलग अलग मटीरियल है उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग मटीरियल है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट दिखेगी। नहीं, धीरे धीरे सारा फॉस्फर खत्म नहीं हो जाएगा, पर वो आपका डिस्प्ले बंद कर देगा ना, और जब डिस्प्ले बंद कर दिया तो पाथ ही बंद हो जाएगा, आपका डिस्प्ले बंद कर देगा ना वेवफॉर्म का, इसलिए उसका बर्न रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है ना, उसका बर्न रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है ना। अब देखो बात समझो, जब मैंने कहा कि वर्टिकल इनपुट देना है सीआरओ को और हॉरिजॉन्टल इनपुट देना है सीआरओ को, इसका क्या मतलब, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनपुट देना है सीआरओ को तो देंगे कैसे, बिना एम्पलीफायर के थोड़ी दे देंगे, बिना एम्पलीफायर के थोड़ी दे देंगे। तो जो तुम ये डायग्राम बनाते हो, ये वाला, ये डायग्राम जो तुम बार बार बनाते हो, समझना बात, ये जो डायग्राम तुम बनाते हो इसके अंदर तुम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट लगाते हो बार बार, तो वो कैसे लगाते हो, तुम कह देते हो कि सर ये तो आपकी वर्टिकल प्लेट्स हो गई और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हो गई, यही तो ऐसे तो बनाते हो, ऐसे ही करते थे। अगर आप चाहो तो वर्टिकल इनपुट मुझे देना है बाय प्लेट्स पर, देखो बात समझो, ये बाय प्लेट्स है, ये एक्स प्लेट। तो जब मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनपुट देना है, वो देंगे कैसे, बिना एम्पलीफायर की मदद से थोड़ी दे दोगे, जब तक एम्पलीफायर काम में नहीं लोगे इनपुट दोगे कैसे,
तो वो ये बोल रहा है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो कैसे, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रही है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली और ये वाली प्लेट्स, ये तो आपकी बाय प्लेट्स हो गई, और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स प्लेट। तो आप डायरेक्टली इन दोनों को बनाने की जगह इक्विवेलेंट डायग्राम में ऐसा बना सकते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम में आप ऐसा बना सकते हैं, ये ऊपर वाली दोनों, ऊपर नीचे वाली बॉटम वाली वाई प्लेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये वाली एक्स प्लेट रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर इसकी जगह ऐसा बनाओ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसकी जगह ऐसा बनाओ तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मुझे ट्रिगर्ड तो करना ही है और मुझे इनपुट भी देना है। देखो मुझे इनपुट देना है वाई प्लेट को। बेटा अनअकैडमी पे मैं ऑलरेडी ले चुका हूं ना, रॉक ब्रेकर, व्हाट्स योर गुड नेम यार, ये तुम्हारा नाम थोड़ी ओरिजिनल। अनअकैडमी प्लस पर ऑलरेडी मैं ले चुका हूं यार, ऑलरेडी रिकॉर्डेड बच्चे देख ही रहे हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन बच्चे देख रहे हैं। देखो अब बात समझो, सत्यम अब ऑलरेडी मैं अनअकैडमी प्लस पे ले चुका हूं कोर्स, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल लिया है मैंने, तो अगर आपको अनअकैडमी में देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। अब देखो बात समझो यार, ध्यान से समझ लो, ये तो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हो गया। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं वर्टिकल इनपुट दूंगा तो वो दूंगा किसकी मदद से? वर्टिकल एम्पलीफायर की मदद से। तो मैंने यहां पर एक वर्टिकल एम्पलीफायर बना लिया, ये मेरा वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। और वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट क्या दे रहे हैं अपन? इसको इनपुट क्या दे रहे हैं? वर्टिकल इनपुट। ठीक है, और ये वर्टिकल इनपुट कहां पे देना है? बाय प्लेट्स ऑफ द सीआरओ। वर्टिकल इनपुट कहां पे देना है? बाय प्लेट्स ऑफ द सीआरओ। तो ये बाय प्लेट्स हो गई आपकी। अच्छा, इन दोनों को मैंने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब क्या है कि कॉमन कर दिया। कॉमन का मतलब ये है कि मैं मान के चल रहा हूं कि जब मैंने यहां पे इनपुट दिया तो यहां पे भी दे दिया, ठीक है, इन दोनों। अब वर्टिकल एम्पलीफायर को जब इनपुट दिया तो इसको पावर सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी। तो पावर सप्लाई कैसे देंगे भाई? बिना पावर के थोड़ी काम चलेगा, इनपुट तो देना पड़ेगा। ये आपकी होगी पावर सप्लाई, और ये पावर सप्लाई किसको देनी है अपन को? वर्टिकल एम्पलीफायर को। तो दे दो। तो मैंने यहां पे पावर सप्लाई दे दी वर्टिकल एम्पलीफायर को। यही पावर सप्लाई मैं हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को भी दूंगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को देने से पहले तो मुझे स्वीप जनरेटर इनपुट देना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? यहां पर चार ब्लॉक बना देता हूं पहले। देखो समझो, ये है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को जैसे वर्टिकल को तुम वर्टिकल साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव देते हो, तो वर्टिकल को इनपुट क्या देते हो? स्वीप वोल्टेज। क्या देते हो? तो यहां पे क्या लिखोगे? स्वीप जनरेटर, जो तुम्हारा सॉटूथ वेव जनरेट करेगा। और नॉर्मल सी बात है, जैसे पावर सप्लाई तुमने वर्टिकल को दी, ऐसी पावर सप्लाई तुम्हें हॉरिजॉन्टल को भी देनी पड़ेगी। तो दे दो, कौन मना थोड़ी कर रहा है देने, दे दो, ये तुमने दे दी। तो पावर सप्लाई तुमने हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को भी दे दी, पावर सप्लाई तुमने वर्टिकल एम्पलीफायर को भी दे दी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से इनपुट क्या देना पड़ेगा? स्वीप, वो मैंने दे दिया। दूसरा,
ये सागरिका क्या लिख रही है यार? यार इसको जवाब दो, ये मेरे ख्याल से भूत प्रेत वाले लोग आने लग गए यार चैनल पर। ये भूत प्रेत बाबा जी वाले चैनल लोग कहां से आने लग गए यार यहाँ पर? वो ट्रेनों में नहीं लिखा रहता है बाबा जी वाले? वो ट्रेनों और बसों में एडवर्टीजमेंट नहीं लगा रहता? ये लोग कहां से आने लग गए चैनल पे यार? ये तो फन हो गया यार, ये विनाशकारी शक्तियां और पता नहीं क्या क्या मैसेज कर रहे हैं लोग यार। वो बसों में नहीं लगा रहता है कि वो एक बाबा जी लगे रहते हैं उसमें लगा रहता है कि ये दोष हो गया, घर का दोष मुक्त कराएं। वो मैंने ट्रेनों में पढ़े, शताब्दी राजधानी में वो पोस्टर नहीं लगे रहते? हाँ, तो ये क्या चीजें हैं, ये कौन सी शक्तियां हैं यार? पढ़ाते पढ़ाते शक्तियां आ गई यार। बच्चे कुछ भी लिखते हैं यार, पता नहीं कहाँ से आते हैं बच्चे। तो देखो यार, ये आपका ट्रिगरिंग है, और ट्रिगरिंग किसकी मदद से हो रही है यार? तुम जवाब तो दे दो इसको, ऐसे क्या कर रहे हो चुपचाप ही बैठे हो? बाकी लोग चुपचाप मत बैठो यार, इसको जवाब दे दो। डायग्राम तो तुम बना लेना बाद में, इतना तो करो मेरे लिए। और ये आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रिगरिंग कैसे करते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अब पावर सप्लाई आपको कहां देनी है? अब देखो, ये वर्टिकल एम्पलीफायर से आपने इनपुट लिया, और ये कहां पे देना है? ट्रिगरिंग में। कहां देना है? ट्रिगरिंग में। ये दे दिया, इसको यहां पे दे दो, इसको यहां पे दे दो, और पावर सप्लाई कहां पे देनी है? इस ट्रिगरिंग में। इस ट्रिगरिंग को पावर सप्लाई भी देनी है। अब समझ लो बात को क्या हो रहा है। देखो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? ट्रिगरिंग। अरे पता नहीं ये क्या लिख रहा है, बोला सर आप में ऐसी शक्तियां हैं जिससे विनाशकारी चीजें शक्तियां आपके पास मंडराती नहीं है, और आप उनको संभाल कर अपने पास नहीं आने देते, वे शक्तियां आती हैं आपके पास। पता नहीं क्या बोल रहा है यार ये बारी बारी बातें कर रहा है, मुझे डर लगने लग जाता है इन चीजों से। बेटा ये चीजें, ये इतना, ये सुबह से खाना नहीं खाया है क्या तुमने? सागरिका सिंह, खाना नहीं खाया क्या सुबह से? यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कमेंट भी आएगा। मतलब पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं यार लोग। हाँ, ट्रिगरिंग सर्किट। तो ये ट्रिगरिंग सर्किट है, और किसकी मदद से बनता है वो? आरसी डिफरेंशिएटर और सिमिट ट्रिगर। अब देखो समझ लो बात को, ये तो आपका वाई प्लेट है, आपको पता ही है, ये वाला और ये वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला, ये आपका एक्स प्लेट है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर इनपुट कहां देगा? अच्छा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर भी तो इनपुट देगा कहां पर? एक्स प्लेट को। तो दो तो सही, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर इनपुट देता है एक्स प्लेट को, वर्टिकल एम्पलीफायर इनपुट देता है वाई प्लेट को। वर्टिकल को वर्टिकल इनपुट देने से पहले, वर्टिकल इनपुट वाई प्लेट पे देने से पहले वर्टिकल एम्पलीफायर में जाएगा, हॉरिजॉन्टल इनपुट यानी स्वीप जनरेटर का वोल्टेज एक्स प्लेट में जाने से पहले कहा जाएगा? हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में। और हॉरिजॉन्टल को पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, वर्टिकल को भी पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनपुट के बीच में ट्रिगरिंग होनी चाहिए। अगर ट्रिगरिंग नहीं होगी तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। और ट्रिगरिंग किसकी मदद से देते हैं? आरसी डिफरेंशिएटर और सिमिट ट्रिगर की मदद से। और ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर है, ये वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वर्टिकल एम्पलीफायर है जिसका राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ 0.35 के बराबर होता है, याद है? अरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ इक्वल टू 0.35, राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ इक्वल टू 0.35, ये वही वाला वर्टिकल एम्पलीफायर है जिसके लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया ऑसिलोस्कोप का ट्रिगर और स्वीप के साथ, ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल आ जाता है, राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ 0.35 होता है वर्टिकल एम्पलीफायर का। ये तो तुमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा यार, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ हम हर्ट्ज में ले रहे हैं, और टी आर जो है उसको बोलते हैं राइज टाइम। तो ये तो तुमने एनालॉग में पढ़ा होगा, मैं तो तुम्हें आइडिया बता रहा हूं कि ये वही वाला बा...
देखो यार, ट्रिगरिंग सर्किट के इंटरनल सर्किट की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ट्रिगरिंग होगी, और ट्रिगरिंग किसकी मदद से होगी, शेवर ट्रिगर और आरसी डिफरेंशिएटर। अभी हम ट्रिगरिंग के अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि वर्टिकल इनपुट अगर देना है बाय प्लेट पर, तो देने का तरीका क्या है, वर्टिकल एम्पलीफायर, और हॉरिजॉन्टल इनपुट देना है एक्स प्लेट को। एक्स प्लेट कौन है, ये वाली प्लेट। उससे पहले आपको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में इनपुट देना पड़ेगा। दूसरा, पावर सप्लाई आपको दोनों को देनी पड़ेगी, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में ट्रिगरिंग होनी चाहिए ताकि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम हो। नहीं तो अगर फाइनल पॉइंट बीच में कहीं भी आता गया तो स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा और वेवफॉर्म स्टेशनरी नहीं रहेगी, आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर सकते। दूसरी बात, ये न्यूमेरिकल कभी कभार आ जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सीआरओ के ऊपर, तो वहां पता होना चाहिए कि राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ 0.35 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिगर स्वीप के साथ में मैंने डायग्राम बना दिया, तो क्या लिख लेना, सीआरओ यूजेस अ हॉरिजॉन्टल इनपुट वोल्टेज which is internally generated ramp voltage उसको बोलते हैं टाइम बेस, टाइम बेस बोल लो या रैंप वोल्टेज कुछ भी बोल लो, विच इज कॉल्ड टाइम बेस, या आप उसको स्वीप वोल्टेज बोल लो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये ल्यूमिनस स्पॉट को लेफ्ट से राइट मूव करता है। ल्यूमिनस स्पॉट को क्या करता है, लेफ्ट से राइट मूव करता है। सर इसमें ऐसा लग रहा है डिले आ जाएगा, दोनों एक्स एंड वाई प्लेट पर सिग्नल साथ नहीं पहुंच पाएगा। बेटा एक डिले लाइन होती है यहां पर, इसलिए यहां पर एक डिले लाइन होती है। चलो बना देता हूं, अब ये बोल रहा है तो बना ही देता हूं, क्या करूं। यहां पर एक डिले लाइन होती है। एक्चुअली क्या होता है, एक्स और वाई प्लेट का सिग्नल, एक्स प्लेट का सिग्नल जल्दी पहुंच जाता है, वाई प्लेट का सिग्नल थोड़ा, एक्स प्लेट का सिग्नल थोड़ा लेट पहुंचता है और वाई प्लेट का सिग्नल थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। तो यहां पर हम एक डिले लाइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर और वाई प्लेट के बीच में, और उस डिले लाइन को हम मैनेज कर सकते हैं ताकि वाई और एक्स प्लेट पर सिग्नल एक साथ पहुंचे, क्योंकि वर्टिकल प्लेट का सिग्नल तो फटाफट पहुंच जाएगा सिद्धांत, और एक्स प्लेट का सिग्नल थोड़ा आराम से पहुंचेगा। तो मैं वर्टिकल प्लेट के सिग्नल को थोड़ा लेट कर देता हूं या डिले कर देता हूं, इसलिए मैं यहां पर एक डिले लाइन इंट्रोड्यूस कर देता हूं वर्टिकल और वाई प्लेट के बीच में, ताकि दोनों सिग्नल अब टाइम से जा सके। सिद्धांत, इज इट क्लियर नाउ। चलो मेरे ख्याल से सिद्धांत को समझ में आ गया होगा। द हॉरिजॉन्टल वोल्टेज, इसका मतलब तो सिद्धांत ने पहले ही सब कुछ पढ़ रखा यार, तभी तो क्वेश्चन पूछा तुमने सिद्धांत। द हॉरिजॉन्टल वोल्टेज मूव्स द ल्यूमिनस स्पॉट पीरियोडिकली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये तो मैंने तुम्हें बात बता ही दी है कि लेफ्ट से राइट मूव करता है, और वो किसकी मदद से मूव करता है, स्वीप वोल्टेज की वजह से लेफ्ट टू राइट सीआरओ का डिस्प्ले मूव करता है, ठीक है। और अप एंड डाउन किसकी वजह से मूव करता है, वर्टिकल की वजह से। तो क्या लिख लोगे, इसको लिखो द वर्टिकल इनपुट वोल्टेज मूव्स द ल्यूमिनस स्पॉट अप एंड डाउन सर थोड़ा ही ग्रेजुएशन में, ठीक है।
The vertical input voltage moves the luminous pot up and down in accordance with the instantaneous value of voltage. ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं. ठीक है, तो जब इनपुट वोल्टेज फास्टर मूव करेगा तो ट्रेस क्या हो जाएगा, स्टेशनरी. तो आप क्या लिख सकते हो, एंड व्हेन इनपुट वोल्टेज रिपीट इटसेल्फ एट अ फास्टर रेट द ट्रेस या डिस्प्ले स्टेशनरी की तरह दिखेगा. द ट्रेस और डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन अपीयर्स स्टेशनरी, ऑफ द स्क्रीन अपीयर्स स्टेशनरी. चलो ये दोनों बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बस मैंने यहां पे लिख दिया. ठीक है, आगे आ जाते हैं. वर्टिकल इनपुट एंड स्वीप जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन. तो मैंने आपसे कहा था अभी जब टाइमिंग की बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होनी चाहिए या एग्जैक्ट मल्टीपल होनी चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए 1.3, 1.96, 2.19, या तो वो f/fx के बराबर हो या उसका एग्जैक्ट इंटीजर मल्टीपल हो, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, फोर्स हो. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए 2.36, 1.54, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लीज राइट डाउन द टॉपिक, प्लीज राइट डाउन द टॉपिक एंड दैट इज गिवन बाय वर्टिकल इनपुट एंड स्वीप जनरेटर सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन. स्वीप जनरेटर सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन ये क्या होता है? देखो अब समझ लेना बात. यहां पे तुमने वर्टिकल इनपुट दिया और वर्टिकल इनपुट क्या दिया, वर्टिकल सिग्नल टू इनपुट, ये आपने दी एक साइन वेव. मान लो क्या दिया, एक साइन वेव. और मैंने एक्स प्लेट पे क्या दिया, स्वीप जनरेटर इनपुट, और वो क्या दिया मैंने, ऐसे. ठीक है, ये -2 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट यहां तक. अब देखो दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है. इसका मतलब जो सीआरटी का डिस्प्ले आएगा, इसका मतलब जो सीआरटी का डिस्प्ले आएगा वो कैसा आएगा, सिंपल एक साइन वेव आ जाएगी, सिंपल एक साइन वेव रिप्रेजेंट करता है. ये बात समझ में आ रही है. लेकिन अगर ये ऐसा होगा, मैंने आपको ये चीज पहले भी बता दी होगी, मुझे ध्यान नहीं, बताई या नहीं बताई. देखो अगर साइन वेव ऐसे होती, डबल वेव होती है मान, ठीक है, और मेरा स्वीप का वोल्टेज भी ऐसा होता, ठीक है, ये -2 से लेकर 2 वोल्ट, तो इसके बीच में 2 साइन वेव आ रही है, तो जो मेरा सीआरटी डिस्प्ले होता है वो कैसा दिखता, 2 साइन वेव. ये बात समझ में आ रही है सबको. लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है ना कि जो एक्स प्लेट की फ्रीक्वेंसी और वाई प्लेट की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल इनपुट सिग्नल मस्ट बी इक्वल,
और एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द स्वीप जनरेटर वोल्टेज, यानी वो एफ बाय ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो सकता है, ट्राइस हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए 2.5, 1.5, 0.5, अगर ऐसा होगा तो फिर मेरा वेवफॉर्म नहीं बनेगा। तो बीम विल रिट्रेस अगेन एंड अगेन ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल वर्टिकल मस्ट बी इक्वल ऑन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी या स्वीप जनरेटर फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है या नहीं ये बात? क्योंकि ये तो मिलियन टाइम्स बनेगा ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है या नहीं है? देखो यार, अभी अपन को एक घंटा और पढ़ना है, थोड़ा दिल थाम के बैठो। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करने वाला हूं सारे। चलो तो इस बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हुआ? द बीम विल रिट्रेस द सेम पैटर्न, द बीम विल रिट्रेस द सेम पैटर्न, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। इफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल एंड स्वीप जनरेटर सिग्नल्स आर सिंक्रोनाइज्ड, क्या होने चाहिए? इसका मतलब क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए या एग्जैक्ट मल्टीपल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल मस्ट बी इक्वल टू और एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ स्वीप जनरेटर सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसका क्या मतलब? क्लियर है? हाँ, तो सिद्धांत ये तो मैंने बता दिया ना तुमको, फिर तो वेवफॉर्म रिट्रेस ही नहीं होगी ना, फिर तो वेवफॉर्म रिट्रेस ही नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, इफ वर्टिकल इनपुट फ्रीक्वेंसी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ सॉटूथ फ्रीक्वेंसी, the waveforms will not be synchronized. The waveform will not be synchronized. तो synchronization करने के लिए important बात ये है कि दोनों की frequency आपस में multiple में होनी चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। नहीं तो waveform क्या है, या तो right shift हो जाएगी या फिर left shift हो जाएगी, यानी pattern या तो right shift हो जाएगा या left shift हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा pattern right shift हो जाएगा या फिर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बेसिक सा फंडा था, ये बेसिक सा फंडा था सीआरटी का, कि सीआरटी स्क्रीन क्या होती है और उस पे स्क्रीन पर वेवफॉर्म आती कैसे है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट क्या होते हैं। अब देखो मेन मुद्दा जो हमारा समझने का है, मेन मुद्दा जो हमारा यहाँ समझने का है वो क्या है, देखो हमको बेसिकली
देखो समझो बात को, बीच में स्क्रीन गायब हुई थी, अभी वापस आ गई। बीच में एक बार स्क्रीन गायब हो गई थी, पता नहीं क्यों, रीजन मुझे नहीं मालूम, पर अभी वापस आ गई। देख अब बात समझ लेना है, डिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है। देखो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, अब बात समझ लो, डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है और उसका एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है वो देख लो। देखो यार, ये आपका दो प्लेट है, ये आपकी दो प्लेट्स हैं, जिसको मैंने मान लिया वाई प्लेट्स। क्या मान लिया? वाई प्लेट। ध्यान से देखो, ये मैंने दो वाई प्लेट्स आपकी ले ली, These are two biplates. और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है डी, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू बायप्लेट्स इज डी। इसको थोड़ा आराम से बनाते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से बनाते हैं, ये ऐसे बनेगा नहीं। ठीक है ना? And the voltage which we are applying on these plates, vertical deflection plates, is Vd. Vd is the voltage on the vertical deflection plates. और यहां पर मैंने एक वोल्टेज ले लिया एनोड और कैथोड के बीच में Va. That is the voltage between anode and cathode. This part is anode and this part is cathode. Everybody knows this. और इसका वोल्टेज मैंने ले लिया एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, दैट इज Va. और ये वोल्टेज से मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सप्लाई कर रहा हूँ। This is the center line. ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन कैसे आएगा उस बारे में बात करनी है। देखो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं दोनों, ऊपर नीचे वाली बीडी बीडी, ठीक है, और लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट मैंने क्या ले लिया? एल डी। आपकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट की जो लेंथ है वो मैंने ले ली एल डी। तो ये आधा आधा है, तो ये हो जाएगा एल डी बाय टू, ये भी आधा है तो ये हो जाएगा एल डी डिवाइड बाय टू, सेंटर में है ना आधा, ठीक है। इस सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां पे गई तो उस इलेक्ट्रॉन बीम का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उस इलेक्ट्रॉन बीम का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी, स्मॉल डी। बेटा वी है एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज Va है एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज, दैट इज एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। Vx आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाएगा सेंटर से तो स्क्रीन पे जाके टकराएगा। तो स्क्रीन क्या है, ये मान लो मैंने स्क्रीन मान ली, दिस इज द स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पे जाके डिफ्लेक्ट होगा, होगा नहीं होगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर था? पी पर। डिफ्लेक्ट होके कहां चला गया? पी डैश पर। यानी ये डिफ्लेक्शन हुआ है, नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का? कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उस वेलोसिटी इज वीएक्स। इसको मैंने नाम दे दिया, और कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी होगा, कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी होगा, होगा। तो यहां पर ये आपकी सेंटर लाइन, इसको नाम दे दिया ओ डैश, इसको मैंने नाम दे दिया ओ डैश, और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया मैंने y। इस डिस्टेंस को नाम क्या दे दिया? y। इस डिस्टेंस को नाम दे दिया y, और इस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, सेंटर से लेकर इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया l। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू द स्क्रीन क्या नाम दे दिया? l। तो ये सारे पैरामीटर्स मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये कौन सी प्लेट है बेटा? y प्लेट। ये नीचे वाली भी कौन सी है? y प्लेट, ठीक है। ये आपका क्या है? डिफ्लेक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? डिफ्लेक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और ये डिफ्लेक्ट होके P से कहां पर आ गया, P डैश पर, तो D क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, और ये डायरेक्शन है X, ऊपर वाला डायरेक्शन है Y, ऊपर वाला डायरेक्शन क्या है Y, ये डायरेक्शन है X और ये डायरेक्शन है Y, ठीक है। इस डिस्टेंस LD को मैं X भी मान सकता हूं, इसलिए मैंने इसको X मान लिया, ये LD को मैंने X मान लिया, LD और X एक ही बात, LD और X एक ही बात है, ठीक है। तो दो वर्टिकल प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, उसकी वेलोसिटी है bx। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसके पैरामीटर्स लिख लो, पहले इसके सारे पैरामीटर्स लिख लो क्या क्या है। देखो m क्या होता है बेटा, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, bx क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, bx क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज इट कम्स आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम असेंबली, ठीक है। ये क्या है, एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। जिन बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया बना लो ध्यान से, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई बोल लो या क्यू बोल लो, दो तीन बातें और हैं। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वाई प्लेट्स, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वाई प्लेट्स, व्हाट इज एल डी, लेंथ ऑफ द वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल प्लेट की लेंथ बता रहा है, लेंथ ऑफ ईच प्लेट, एल क्या है, एल स्क्रीन से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला है कैपिटल एल, स्क्रीन से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला है, कैपिटल एल, कैपिटल एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स, बेटा बोर कैसे हो रहा है मुझे बताओ, थियोरेटिकल टॉपिक है तो बोर कैसे हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि मैं पढ़ा रहा हूं फिर भी आपको, बाकी लोग बताओ यार बोर हो रहा है क्या, ये निवेदिता तो कह रही है बोर हो रहा है, इतना अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक आपको कहीं मिलेगा नहीं, डेरिवेशन ढंग से मिलेगा नहीं, अभी सिग्नल सिस्टम तो है नहीं कि पूरा न्यूमेरिकल चले, ये मेजरमेंट भी नहीं है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल चले, ये सीआरओ का टॉपिक है, थ्योरेटिकल तो थ्योरेटिकली चलेगा ना बेटा। यहां पर वीडी क्या है, वीडी दैट इज द डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, वीडी क्या है, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज यानी पोटेंशियल बिटवीन वाई प्लेट्स, ठीक है। और कैपिटल डी क्या है, ये रहा कैपिटल डी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हुआ पी से पी डैश तक, दैट इज डी, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, तो बच्चे बोल रहे थे सर बता दो क्या क्या है, तो मैंने बताया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैथोड से, तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, होता नहीं होता है? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एक्सेलरेटिंग एनोड, पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यू बी, क्यू का मतलब हो गया ई और कौन सा वोल्टेज बी है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, तो मैं क्या बोलूंगा,
द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पीई, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एक्सिलरेटिंग एनोड। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू बी, तो क्यू की जगह ई और यहां पर हो गया बी है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर वन, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, सो द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो vx। नाउ इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो ये हो गया ई वी ए इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, सो दिस वी एक्स स्क्वायर बिकम्स टू ई वी ए अपॉन एम, so the velocity of electron become 2 eva upon m। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, दो बार गेट में पूछा गया है, 2 eva upon m, this is the velocity of electron, that is 2 eva upon m, accelerating voltage upon mass of the electron, this is the velocity of electron। दूसरी बात क्या है, दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, कुछ फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बी बाई डी, सबको पता है। फोर्स क्या होता है, क्यू ई, हाँ रूट लगा दो, मतलब सॉरी रूट लगा दो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्यू ई, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी यानी वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो डी टू बाई डी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स पे एक्सेलरेशन को लिख सकते हो वी बाई डी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी, फोर्स होता है क्यू ई या मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, या आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, लिख सकते हो ना, यहाँ पे बी आपका वेलोसिटी हो गया, y आपका डिस्प्लेसमेंट है। हाँ बेटा मैंने स्क्वायर रूट लगा तो दिया, और क्या चाहिए, स्क्वायर रूट लगा दिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालू y डायरेक्शन में तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन इज गिवन बाय vd upon d, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं फोर्स की बात करूं y डायरेक्शन में, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फोर्स होता है क्यू ई, क्यू ई का मतलब ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई वी डी बाय डी लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला और क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का है वाई डायरेक्शन में, तो आप मास को क्या लिख सकते हो, यहां पे अगर लिखना चाहो ए वाई को, ए वाई को लिखोगे फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स इज गिवन बाय ई ई वाई अपॉन एम। देखो मैं आपको डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ चीजों को, ध्यान से देखो, ई ई वाई अपॉन एम, ये आप इसको लिख सकते हो ई वी डी बाई डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, सारी चीजें आपके सामने है। ये एक्सेलरेशन हो गया, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय EVD upon MD, और टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है LD और स्पीड कितनी है VX, डिस्टेंस कितना है LD और स्पीड कितनी है VX, तो यहां से टाइम को आप ऐसा लिख सकते हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज LD upon VX, तो यहां से क्या लिख देंगे LD upon VX, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी हो गया y। अब आप और इसको क्या लिख सकते हो,
और इसको क्या लिख सकते हो, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, ये तो आपका वेलोसिटी आ गया, ये क्या आ गया वेलोसिटी। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, एक्सेलरेशन इज डी टू बाई डी टी स्क्वायर, लिखा था नहीं लिखा था, तो वाई क्या हो जाएगा यहां से, अगर आप यहां से वाई लिखना चाहो डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखोगे, ए वाई टी स्क्वायर बाय टू लिखोगे या नहीं लिखोगे, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक्सेलरेशन होता है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो वाई को डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, ए वाई टी स्क्वायर बाय टू लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ए वाई टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना है, वन बाय टू ई वाई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। पीछे देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, पीछे देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये रहा ई वाई अपॉन एम, है ना, ई वाई अपॉन एम एक्सेलरेशन, ई वाई अपॉन एम एक्सेलरेशन हो गया, और ये टी स्क्वायर बाय टू तो था ही था, वन बाय टू ई वाई अपॉन एम, और टाइम क्या होता है, एल डी बाई वी एक्स का स्क्वायर, ये वाई हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि जो एल डी है उसको एक्स ले लेंगे, एल डी जो है उसको एक्स ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, वन बाय टू ई वाई अपॉन एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वी एक्स स्क्वायर। किसको इसमें डाउट है क्या, कैसे लिखा मैंने ये सब, किसी को डाउट है क्या ये सब कैसे लिख दिया, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट हो, क्योंकि मैंने पूरा आपको बता के लिखा है कैसे लिखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, हाफ ई वाई अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू समथिंग स्क्वायर हो गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना नहीं बना, अरे इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गया नहीं बन गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना नहीं बना, क्योंकि देखो आपको ऐसा लगता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, पैराबोला की तरह ही होता है डिफ्लेक्शन, आपको लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन है पर ये पैराबोला की तरह ही डिफ्लेक्शन होता है। चलो तो आपका यहां से y का टर्म आ गया, ये y का टर्म आ गया, ठीक है। इस y के टर्म को थोड़ा बहुत और चेंज कर देते हैं, इस y के टर्म को थोड़ा बहुत और चेंज कर देते हैं और उसके आगे की बात करते हैं। देखो इस y को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो, हाफ ई वाई अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, this will become dy by dx 1 by 2 ey upon m vx square into 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया, ey x upon m vx square। चलिए यार जितने भी बच्चे लाइव हो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है, ये डेरिवेशन किसी भी किताब में ढंग से नहीं दे रहा, e by x upon m dx square, ये आपका dy by dx हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ये आपका dy by dx हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो बात, मैं वापस से लिख रहा हूं, आपने अभी dy by dx लिखा, e by m bx square into x, ये dy by dx को क्या tan थीटा बोलते हैं, नहीं बोलते, बोलते हैं, यहां पे आ जाओ, इस कर्व में अगर tan थीटा लिखना होता तो tan थीटा को क्या लिखते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे देखो tan थीटा अगर मुझे लिखना है तो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस l, तो इसको लिख सकते हैं d अपॉन l, अगर tan थीटा को मुझे यहां रिप्रेजेंट करता तो मैं लिखता d अपॉन एल, तो डी क्या हो जाता है, एल टेन थीटा, डी हो जाता है एल टेन थीटा। चलो आ जाओ, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू है ई वाई अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये ई वाई अपॉन एम किसके बराबर है, ये रहा e by upon m किसके बराबर है, अगर आप देखें e by upon m, यह है e v d upon m d के बराबर, e v d upon m d के बराबर है या नहीं है,
EVD अपॉन MD के बराबर है, इसको लिख दो। ठीक है, तो अपना काम हो गया ना। अब आपका D था, tan थीटा की वैल्यू थी D बाय L, तो D कितना हो गया L tan थीटा, ये रहा L, और tan थीटा कितना है EVD x अपॉन एम डी बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया एल ई बी डी एक्स अपॉन एम डी। ये बी एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करो, बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, पीछे देखो बी एक्स स्क्वायर तुम्हारा कितना था, बी एक्स स्क्वायर तुम्हारा था टू ई बी ए अपॉन एम, इस टर्म को यहां सब्सटीट्यूट करो, तो यहां से देखो एम से एम गया, ई से ई गया, क्या क्या बच गया, एल एक्स बी डी अपॉन टू डी बी ए, बचा नहीं बचा, तो एल हो गया आपका एल बी डी, इस एक्स को मैंने बोला था एल डी लिख सकते हो, एल अपॉन टू डी बी ए, हुआ या नहीं हुआ, तो ये आपके डी की वैल्यू हो गई नहीं होगी, तो डिफ्लेक्शन आ गया और यही मुझे निकालना था, ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया ना, एल बी डी स्मॉल एल डी एक्स और एल डी तो बराबर ही है टू डी बी ए, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है डिफ्लेक्शन का, आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते थे, मैंने आपको बस डिराइव करा दिया, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया ये कैसे आया, ठीक है, ये किसी भी बुक में ढंग से नहीं दे रखा है, एल एल डी बी डी अपॉन टू डी ए, दिस इज द डिफ्लेक्शन डी ऑन द स्क्रीन एंड इट इज गिवन बाय, दिस इज द डिफ्लेक्शन डी ऑन द स्क्रीन and it is given by L L D V D upon 2 D V A. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या याद करना है, L L D सबस्क्रिप्ट में है V D upon 2 D V A. This is the formula, ये आपको याद रखना है, and what is D? Deflection D on the screen डिफ्लेक्शन डी ऑन द स्क्रीन एंड इट इज गिवन बाय एल एल डी बी डी अपॉन टू डी बी ए. ठीक है, चलो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी, एक बार कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ यार, समझ में आया नहीं आया, यस और नो, कोई डाउट हो इसके अंदर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, देखो यार इस पे न्यूमेरिकल आएगा, इस पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है, तो पहला पॉइंट है उसको लिखो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ये क्या होता है, द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआरटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन ऑफ द स्क्रीन पर यूनिट वोल्टेज, इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन ऑफ स्क्रीन पर यूनिट वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, सेंसिटिविटी इज गिवन बाय डी अपॉन बी डी, तो ये रहा आपका बी डी और ये रहा आपका डी, तो आंसर क्या हो गया एल एल डी अपॉन टू डी बी एंड दैट इज इन मीटर पर वोल्ट, या आप उसको बोल देना एमएम पर वोल्ट, जिसमें भी बोलना चाहो, ठीक है, दिस इज द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द सीआरटी, दैट इज डिफ्लेक्शन अपॉन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, सेकेंड पॉइंट इज डिफ्लेक्शन फैक्टर, व्हाट इज दैट डिफ्लेक्शन फैक्टर, दैट इज गिवन बाय जी एंड दैट इज वन अपॉन सेंसिटिविटी,
So you can say it is the reciprocal of sensitivity. And that is given by 2d dA upon L LD, and that is volt per meter. ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और आएगा तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए, और अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आ रहा है तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए। तो ये बेसिक सी बात थी, तो मैं आपको दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, इसके दो बेसिक से न्यूमेरिकल है इसके, वो मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, ये जनरली एक बार ही आया है एग्जाम में, ज्यादा आया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। राइट डाउन न्यूमेरिकल हैंड रिटन है, प्लीज राइट डाउन। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टिंग कैथोड रे ट्यूब, प्लीज राइट डाउन। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टेड कैथोड रे ट्यूब has plane parallel deflecting plates which are 2.5 centimeter long, यानी आपको LD की वैल्यू दे रखी है, and 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी डिस्टेंस d, दैट इज d, एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर टू द स्क्रीन इज 20 सेंटीमीटर, ऑल्सो the electron beam is accelerated by a potential difference of 2500 volt. So calculate the deflection voltage required yani VD ki value batani hai to cause the beam to deflect 3 cm, to deflect 3 cm and find deflection sensitivity, दो चीजें बतानी आप। ठीक है, अरे विभुत सीआरओ कल कैसे रहेगा बेटा, तो आपको यहां पे दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको निकालना है डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज और दूसरा आपको निकालना है सेंसिटिविटी एस। चलो बताओ, तो फॉर्मूला आपको लगाना है और सब सब सारी चीजें आपको दे रखी है। फॉर्मूला आपको पता है, डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है एल एल डी बी डी अपॉन टू डी बी ए, ये फॉर्मूला होता है एल एल डी बी डी अपॉन टू डी बी ए, ये फॉर्मूला है, और आपको इसमें से बी डी कैलकुलेट करना और सारी वैल्यूज आपको दे रखी है और सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है। बताओ अब इसके बाद मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा सीआरओ बाय लिसाजस फिगर, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा।
आंसर 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 देखो यार, सब कुछ गिवेन ही है आपको यहां पर, मैक्सिमम चीजें गिवेन है। क्या क्या गिवेन है? स्मॉल एलडी कितना दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग ब्लेड, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर को लिख लो 0.025 मीटर्स। उसके बाद आपको दे रखा है कि वो 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी डिस्टेंस स्मॉल डी। आंसर बताओ यार, आंसर चाहिए मुझे। 005 मीटर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द स्क्रीन इज 20 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल एल आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो वो भी आपका 0.2 मीटर्स हो जाएगा। और उसके बाद बोला है कि द इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA आपको दे रखा है, एनोड टू कैथोड के बीच का वोल्टेज 2500 वोल्ट दे रखा है, और आपको यहां पर कैपिटल डी भी दे रखा है। कैपिटल डी कितना है? 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन वोल्टेज रिक्वायर्ड, VD आपको कैलकुलेट करना है, विच कॉज द बीम टू डिफ्लेक्ट 3 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल डी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 0.03 मीटर। तो आपको सारी चीजें दे रखी है और VD कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा बताओ? आंसर आंसर चाहिए मुझे। आंसर क्या आएगा? क्या हुआ यार, मेरा एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 150 इज द राइट आंसर, यस। तो क्या लिखोगे? इसकी वैल्यूज पुट कर दो, और तो क्या करना है। यस यस, 150 इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 150 वोल्ट। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन क्या निकालना है? सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी के लिए क्या लिखना है? डी अपॉन बी डी, तो ये तो तुम्हें पता ही है, एल एल डी अपॉन 2D VA। बस वैल्यू लिख दो कितना आ रहा है, एल एल डी अपॉन 2D VA यहां से निकाल लो। या एक काम करो, या एक काम करो, ये आपको बिल्डी तो दे ही रखा है, इसको डी से डिवाइड कर दो। इस पूरे टर्म को 0.03 से डिवाइड करके इनवर्स ले लो, इस पूरे टर्म को 0.03 से डिवाइड कर दो और इनवर्स ले लो, यानी 150 डिवाइड बाय 0.03 कर लो और उसका इनवर्स ले लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है 2×10⁻⁴ मीटर बाय वोल्ट, या 0.2 mm पर वोल्ट। समझ में आ रहा है? 150 डिवाइड बाय 0.03 कर दो और उसका इनवर्स ले लेना, आंसर आ जाएगा। यानी 0.03 डिवाइड बाय 150 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था यार। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो। पॉइंट टू एम एम पर वोल्ट या 2×10⁻³ मीटर, 10⁻⁴ मीटर पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। In a CRT, the anode to cathode voltage is 2500 volt. The parallel deflection plates are 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एलडी बता रहा है। पैरेलल डिफ्लेक्शन प्लेट्स मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो कि पैरेलली प्लेस्ड हैं एंड स्पेस्ड 5 mm। द स्क्रीन इज
50 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स डिटरमाइन बीम स्पीड एंड डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। बता, आसान है, ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लल्लू सा काम है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं वोल्टेज एम्पलीट्यूड कैसे मेजर किया जाता है, टाइम पर डिवीजन क्या है, वोल्ट पर डिवीजन क्या है, लिसाजस फिगर्स क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। इसका आंसर बता दो फटाफट से। देखो यार, एनोड वोल्टेज आपको दे रखा है 2500 वोल्ट और एलडी की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, तो आप उसको मीटर में तो लिख ही लोगे। एंड स्पेस्ड 5 mm डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल प्लेट्स 5 × 10⁻³। And the screen is 50 centimeter from the center of deflecting plate, that is L, that is 50 centimeter. इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 meters. तो मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी तो चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2 eva upon m. 2 eva upon m is the formula. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2 eva upon m. यही तो फॉर्मूला है, तो रूट लगा दो, स्क्वायर हटा दो। आंसर बता दो। टू इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ इंटू एनोड का वोल्टेज कितना है 2500 डिवाइड बाय एम कितना है 9.1 इंटू 10⁻³⁻³ केजी। इसको सॉल्व कर लो, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, तो ये आपकी बीम स्पीड हो जाएगी। आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। सेंसिटिविटी बता दो कितना आ रहा है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। देखो यार, 20 मिनट और बच रहे हैं सेशन के, अपने 3 घंटे का सेशन था, बाकी रिमेनिंग वाला अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी 3 घंटे में जितना हो जाएगा मैक्सिमम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपको वोल्ट पर डिविजन, टाइम पर डिविजन तो करा ही दूंगा, ये वीएक्स हो गया, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बता दो कितनी आ रही। ये आ गया 0.5 इंटू 0.015 डिवाइड बाय, हाँ बेटा इलेक्ट्रिकल के लिए ही है ना, इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के लिए है सीआरओ। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था, मैंने आपको बता दिया डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है। हमारे पास लास्ट के 20 मिनट्स और बच रहे हैं, 20 मिनट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि सीआरओ का मेजरमेंट कैसे होता है, वोल्टेज का, करंट का, वोल्टेज का टाइम पीरियड का, मैक्सिमम वोल्टेज आरएमएस वैल्यू कैसे मेजर करते हैं। देखो
हाँ लिसाजस पैटर्न पे भी आऊंगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे ना लिसाजस को, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट सेशन जो होगा मैराथन का उसमें लिसाजस ले लेंगे, सीआरओ तो वैसे भी बहुत बड़ा है। आ जाओ, अब देखो बात समझो, यार एक तो इसमें स्क्वायर बॉक्स नहीं होता, सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है। कमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है आशुतोष, ऐसा क्या हो जाता है, कमेंट क्यों डिलीट करते हो तुम। एक बार देखता हूँ यार, अगर मैं वो पैटर्न आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, ये पैटर्न ही नहीं आ रहा है, बताओ कैसे काम चले। लाइन वाला पैटर्न ही नहीं आ रहा है आज, मैंने सोचा था लाइन वाला पैटर्न आ जाएगा, अभी तो मुझे हाथ से बनाना पड़ रहा है। ये आपका ग्रेटिक्यूल है जिसको आप बोलते हो स्क्रीन, ये आपका ग्रेटिक्यूल है जिसको आप क्या बोलते हो स्क्रीन, ठीक है। अब देखो बात समझो, ये होता है आपका वोल्ट पर डिवीजन, और ये होता है आपका टाइम पर डिवीजन। मान लीजिए अगर मैं वेवफॉर्म ऐसे बना रहा होता साइन वेव की, ठीक है, नहीं कल नहीं होगा, कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन कल नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे को होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू इसकी बीएम, तो नीचे वाला भी क्या होगा बीएम ही होगा। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेल है, ये जो डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, ये क्या है एक डिवीजन, ऐसे ये भी क्या है एक डिवीजन, ये भी क्या है एक स्केल डिवीजन। अब ये स्केल 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। बेटा कल नहीं होगा सेशन, नेक्स्ट सैटरडे को होगा, तो ये टाइम पर डिवीजन है, ये वोल्ट पर डिवीजन है। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी 2 VM, पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी 2 VM। तो अगर मैं लिखना चाहूं, क्योंकि ये तो बराबर है ना, अभी पीक टू पीक वैल्यू इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ VM एंड दैट इज गिवन बाय पीक टू पीक। VM आपका क्या है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। तो एक तो तरीका ये है निकालने का, एक तरीका क्या है कि मैं वोल्ट पर डिविजन निकाल लूं। देखो यहां से लेकर ये एक डिविजन है, और ऐसे कितने डिवीजन है कि पीक टू पीक वैल्यू आ जाए, ऐसे 4 डिवीजन लेने पड़ेंगे जब पीक टू पीक वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, 4 डिवीजन लेने पड़ेंगे वोल्ट पर डिवीजन के। तो इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे पीक टू पीक वैल्यू लिखनी है तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, वोल्ट पर डिवीजन यानी 1 वोल्ट पर डिवीजन, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने टोटल डिवीजन है कितने हैं 4, तो उसको क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स। बात समझ में आ रही है, हाँ। नेक्स्ट मैराथन में कोशिश करेंगे, सीआरओ खत्म हो जाएगा, वोल्ट पर डिविजन इनटू नंबर ऑफ डिविजन, बात समझ में आई। तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो, नहीं पता तो, नहीं तो पीक टू पीक वैल्यू लिखने का तरीका क्या है, 1 वोल्ट पर डिविजन इंटू वर्टिकल कितने डिविजन है। सिमिलरली अगर आपको इसकी आरएमएस वैल्यू लिखनी है, तो आरएमएस वैल्यू को तो आप पता ही है कैसे लिखते हो, फुल साइनसोइडल है तो RMS value is given by Vm by root 2, अगर sinusoidal है तो, for sinusoidal only, अगर triangular वगैरह है तो Vm by root 6, Vm by root 3 हो जाएगा।
ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी रख सकते हो, पीक टू पीक डिवाइड बाय 2√2, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, दैट इज वोल्ट पर डिविजन इंटू नंबर ऑफ डिविजन। सिमिलरली अगर आपको टाइम पीरियड मेजर करना है तो टाइम पीरियड कैसे मेजर करोगे, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा टाइम पीरियड। एक तो मेजर करने का तरीका है आपको पता होना चाहिए कि कितना है, दूसरा आप टाइम पर डिवीजन मेजर कर लो इनटू नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, एक साइकिल में कितने डिविजन है, दैट इज टाइम पीरियड। तो पहला था आपका वोल्टेज मेजरमेंट, इसको बोलते हैं वोल्टेज मेजर। मतलब सीआरओ की मेन कहानी जो मैं आप पढ़ा रहा हूं ना वो है, जो मैंने पढ़ाया वो तो बेसिक है, वो तो सबको पता होता है या नहीं पता होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बेसिक बात है, ये पता ही होना चाहिए। सेकंड क्या है, टाइम पीरियड मेजरमेंट। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, दैट इज टाइम पर डिविजन इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑक्यूपाइड बाय वन साइकिल, ऑक्यूपाइड बाय वन साइकिल, ठीक है, दिस इज योर टाइम पीरियड मेजरमेंट। और फ्रीक्वेंसी तो आपको बताइए, वन अपॉन टाइम पीरियड आप लिखते ही हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या लिखोगे, वन अपॉन टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है बिना लिसाजस फिगर के, विदाउट लिसाजस फिगर्स। अगर लिसाजस फिगर हो तो दूसरा तरीका है, विदाउट लिसाजस पैटर्न्स, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो गया, टाइम पीरियड मेजरमेंट एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि करना क्या था, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा करना क्या था, ठीक है। देखो समझना है यार बात को, ये तो अपना पेज ही खत्म हो गया, कैसे चलेगा, पेज खत्म हो जाएंगे। चलो देख समझो बात, मैंने सोचा था ग्रैटिट्यूड उससे बन जाएंगे, पर वो तो स्क्रीन ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। देखो यार ध्यान से देखना, देखो समझो बात, ये आपको एक स्क्रीन दे रखी है, ये आपको एक स्क्रीन दे रखी है और वेवफॉर्म कैसे शो कर रही है वो देखो, यहां से मैंने स्टार्ट करी, और ये जो एक डिवीजन है, एक डिवीजन जो है चार डिवीजन के बराबर है, एक डिवीजन के अंदर भी चार डिवीजन। अब देखो मैं वापस से बना देता हूं, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म बन रही है आपकी, है ना, देखो ध्यान से देखो, अब समझना बात को क्या बोल रहा हूं। ये जो एक डिवीजन दे रखा है, ये बोल रखा है 3 मिलीवोल्ट पर डिवीजन, क्या बोला है, यहां से लेकर यहां तक ये जो एक डिवीजन है वो कितने का है, 3 मिलीवोल्ट पर डिवीजन का है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। और देखो ये वेवफॉर्म तुमने देखा होगा ये आधे में ही जा रही है, आधे में जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो एक डिवीजन है
उसके अंदर भी पांच डिविजन है, 1, 2, 3, 4। एक जो स्केल डिविजन है उसके अंदर कितने डिविजन है, पांच डिविजन है। और ये जो है ये थर्ड डिविजन पे मैच कर रहा है, कहां पे मैच कर रहा है, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली नीचे वाला भी कहां मैच कर रहा है, थर्ड पर, 1, 2, 3, 4। टोटल पांच डिविजन है एक डिविजन के अंदर, और ये मैच कहां कर रहा है, ऊपर थर्ड वाले पे, और यहां पे भी कहां मैच कर रहा है, थर्ड वाले पे। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द वेवफॉर्म शोन बेटा, अभी समझ में आ जाएगा, दो मिनट रुको। ए वर्टिकल एटेन्यूएशन, अभी मैंने समझाया ही कहां, तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा। ए वर्टिकल एटेन्यूएशन इज 3 मिलीवोल्ट पर डिविजन। देखो ध्यान से देखो, समझो बात, ये एक साइन वेव है जो ऐसे चल रही है, साइन वेव है। पांच डिविजन कैसे आया मैं बोल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक एक डिविजन है, ये तो पता है तुम्हें, लेकिन जो एक डिविजन है उसके अंदर भी पांच सब डिविजन है। There are five subdivisions in each division. ये मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, फाइव सब डिविजन है एक डिविजन के अंदर। तो ये जो वेवफॉर्म साइन वेव ऊपर जा रही है, 3 मिलीवोल्ट 3 मिलीवोल्ट, और ऊपर जब जा रही है तो तीन डिविजन से मैच कर रही है। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूं आशुतोष, इज इट क्लियर नाउ। मैं बोल रहा हूं कि एक डिवीजन के अंदर पांच सब डिवीजन हो रखे हैं, तो ये वेवफॉर्म जो है तीन पॉइंट पे टच हो रही है ऊपर, और तीन पॉइंट पे नीचे टच हो रही है, बाकी के दो नीचे वाले खाली हैं। और वर्टिकल एटेन्यूएशन का मतलब ही है कि बाइक की सेंसिटिविटी दे रही है 3 मिलीवोल्ट पर डिवीजन। वर्टिकल एटेन्यूएशन का मतलब ही है कि वाई का स्लॉट पर डिवीजन दे रखा है, ठीक है। चलो तो फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन, आपको फाइंड आउट करना है पीक टू पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब समझो बात, समझना, 3 मिलीवोल्ट पर डिवीजन है, उसके अंदर भी पांच डिवीजन है, तो कैसे सॉल्व करना है, बात समझना। वन पार्ट इज डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट, वन सब डिविजन इक्वल टू 1/5, यानी अगर एक सब डिविजन की बात की जाए इसके अंदर तो 1/5 का हो जाएगा, यानी 0.2। तो अपन सॉल्व कर लेंगे, देखो वैसे डब डिवीजन क्या है, 1, 2, 3, 4, ये एक के बराबर है। अगर आप देखो तो देखो, ये 1, 2, 3, 4, चार तो पूरे पूरे हैं, आधा कौन है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो उसका सब डिवीजन निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 सब डिवीजन इज इक्वल टू 1/5 का मतलब 0.2, यानी इसका मतलब 0.2 के तीन पार्ट ऊपर है और 0.2 के तीन पार्ट नीचे, यही मतलब है, 0.2 के तीन पार्ट नीचे है और 0.2 के तीन पार्ट ऊपर है, बाकी तो 3 मिलीवोल्ट 3 मिलीवोल्ट है ही। यानी अगर मुझे पॉजिटिव पीक निकालनी है, ये वाली पॉजिटिव पीक निकालनी है वीएम, तो कैसे निकालूंगा, वीएम क्या है, पॉजिटिव पीक, कैसे निकालूंगा, देखो दो तो पूरे हैं बराबर बराबर, प्लस बाकी क्या है, तीन पार्ट है किसके, 1/5 के, तीन पार्ट है 0.2 के, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया 2 + 3 2 जा, यानी 0.6, तो ये हो गया 2.6 डिवीजन ऊपर, 2.6 डिवीजन ऊपर है, सिमिलरली 2.6 डिवीजन नीचे है, समझ में आता है। ऐसे नेगेटिव पीक पर, ऐसे नेगेटिव पीक पर भी कितने डिवीजन होंगे, 2.6 डिवीजन। अब मुझे टोटल डिवीजन पता पड़ गए, 2.6 ऊपर नीचे, और मेरा काम हो गया। तो मैं क्या लिख लूंगा, मैं क्या लिख लूंगा, देखो एक सेकंड, पेज कम पड़ गए क्या, अब देखो टोटल डिवीजन कितने हो गए, नंबर ऑफ डिविजन इज इक्वल टू 2.6 + 2.6, कितने हुए,
5.2 डिविजन्स टोटल, ठीक है। कैसे, दो और दो ये तो चार ही हो गए और बाकी 0.3 मिला के 0.2 के 6 हो गए, तो कितना हो गया, एक मिनट यार आंख में कुछ चला गया। तो पीक टू पीक वोल्टेज कितना हो गया, वोल्ट पर डिवीजन इनटू टू ऐड क्यों किया बेटा, टू ऐड नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। आशुतोष तुम भी यार हद करते हो। अरे बेटा देखो, टू तो इसका हो गया और 3 × 0.2 इसका हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहां से लेकर यहां तक 2 हो गया और ये 3 डिवाइडेड है ना, 3 × 0.2 इसका हो गया, तभी तो 2.6 होगा। अरे तुम्हें समझ में आ रही है बात, 2 तो इसका हो गया और यहां से लेकर यहां तक 3 डिविजन्स हैं, कितने के 0.2 के, तो 0.6 ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 2.6 हो गया ना, टोटल कितना हो गया 2.6 इतना से तो इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। तो मतलब ये तो डायरेक्टली कर सकते थे, तो मैं पहली बार आपको बता रहा हूं इसलिए मैंने बता दिया, 3 मिलीवोल्ट पर डिविजन इनटू 5.2, ये तो मैं आपको पहली बार बता रहा था इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी था, डायरेक्टली आंसर निकाल लेते, ये तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है। तो ये आपका हो गया 3 × 5.2 15.6 मिलीवोल्ट, ये आपका पीक टू पीक वोल्टेज हो गया जो आपको निकालना था, ये पार्ट। बी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब पीक टू पीक डिवाइड बाय 2, यानी 15.6 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 7.8 मिलीवोल्ट। और सी पार्ट क्या है, वीआरएमएस, दैट इज वीएम बाय रूट 2, तो वीएम कितना है 7.8 डिवाइड बाय रूट 2, तो आंसर आ जाएगा 5.515 मिलीवोल्ट। तो आपके तीन आंसर हो गए जो आपको कैलकुलेट करने थे, ये सबको समझ में आई बात, बेसिक सी बात थी, जो बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि इसको बोलते हैं वर्टिकल एटेन्यूएशन, 3 मिलीवोल्ट पर डिवीजन को बोलते हैं वर्टिकल एटेन्यूएशन, क्या बोलते हैं वर्टिकल एटेन्यूएशन। समझ में आया नहीं आया सबको ये बताओ, बहुत आसान सा था यार, कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो तो यार देखो, क्वेश्चन मुझे कराने थे, मैं तो चाहता था आपको क्वेश्चन कराऊं, आज बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आया था मैं, लेकिन क्या हुआ कि अपने पास टाइम की कमी है तो क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, तो अपन नेक्स्ट मैराथन सेशन में ही सारे क्वेश्चन लगाएंगे, नेक्स्ट मैराथन सेशन जो भी होगा उसमें सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। चलो तो जो भी नेक्स्ट मैराथन सेशन होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैनल आपको लगा सकूं, लेकिन अगर आप ध्यान रखो, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो यार देखो, मैं तो बार बार बोलता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और कोड लगाओ प्रमीट 10, प्रमीट 10 कोड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे फॉलो करो, अनअकैडमी पे जाके प्रमीट 10 कोड लगा दो और मुझे फॉलो करो, अनअकैडमी ऐप लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पे प्रमीत लबास टाइप करो और मुझे फॉलो कर लो। बेटा हॉरिजॉन्टल की भी तो सेंसिटिविटी होगी, हॉरिजॉन्टल की भी तो सेंसिटिविटी होगी, ये वाई की सेंसिटिविटी थी, वो हॉरिजॉन्टल की सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। चलो फिर अपन सेशन को एंड करते हैं यार, सेशन को एंड करते हैं। सो दिस इज प्रमीत लबास, को तो और पूछना है तो पूछ लो, बता दूंगा। जैसे हॉरिजॉन्टल की सेंसिटिविटी होती है, ऐसे वर्टिकल की भी सेंसिटिविटी होती है, अगर आप कुछ भी बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सो दिस इज प्रमीत लबास साइनिंग ऑफ राइट हियर राइट नाउ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली फॉर 3 आवर्स, एंड द नेक्स्ट मैराथन विल बी ऑन CRO ओनली, द नेक्स्ट मैराथन विल बी ऑन CRO ओनली, आपको अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर मैं आपको लिसाजस फिगर्स, एटेन्यूएशन क्या होता है CRO में, और सारे न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।